इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पांच नंबर की नहीं है जबकि मैं बोलता हूं यहां पर पंद्रह नंबर की इंपॉर्टेंस ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आपका प्रोबेबिलिटी भी गया और आपका थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी गया क्योंकि यही बेस को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है वहां पर तो पूरा ध्यान रखना है पूरा चीजों को समझना है और फिर अपना प्रमोटेशन पे अच्छे से कमांड बना पाएंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर का पर्पज यही है कि आप चीजों को ध्यान से समझे आपके एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहां दिखाए जाएंगे लगभग मैं पचास क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपको ऑफ क्वेश्चन समझ में आए जो आईसीआई ने आपको दिए हुए हैं तो शुरू करते हैं पमोटेशन को और इस पर कमांड बनाते हैं तो जैसे मैंने बोला पांच नंबर का ये पर्टिकुलर चैप्टर है और पांच के पांच नंबर आपके पक्के कराने के लिए मैं आया हूं ओके सो शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ काउंट करना सबको आता है एकदम सही बात है बट काउंटिंग में ना दो वर्ड्स में कब क्या करना होता है उसको जज करना पड़ेगा और ये वर्ड्स ना आपको हर क्वेश्चन में बार बार दिखेंगे और जितनी बार दिखेंगे उतनी बार उसके जगह पर वो आपको साइन पुट करना है क्या है सर साइन कह रहे जब भी आपको किसी क्वेश्चन में एंड वर्ड दिखे जब भी किसी क्वेश्चन में एंड वर्ड दिखे तो आपको मल्टीप्लाई करना है ये याद रखना ठीक है थीके? या फिर एंड वर्ड नहीं दिख रहा है आपको समझ में ऐसा आ रहा है कि आपको दो काम एक साथ करने एक साथ करने हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना है या तीन काम एक साथ करना है तो मल्टीप्लाई करना है या फिर आपको करना है कि यह भी करना है एंड दूसरा भी करना है मतलब दोनों करने ओके ऐसा नहीं कि दोनों में से एक चूज करते हैं, दोनों करना है एंड दूसरा भी करना है ऐसे वर, ऐसी चीज जब आपको समझ में आ रही हो तो मल्टीप्लाई का यूज करना है ठीक है दूसरा भी करना है ओके तो इसकी बात का इतना ही मतलब है मल्टीप्लीकेशन रूल क्या बोलते हैं कह है ये काम भी करना है एंड ये काम भी करना है दोनों काम अगर करने हैं तो मल्टीप्लाई का साइन यूज किया जाएगा ओके समझ में आया तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एंड वर्ड यहां डाल देते हैं अब इसी बात को इतने लंबा चौड़ा क्या लिखा हुआ है है कह कह रहा रहा इफ वन टास्क कैन बी डन इन एम वेस एक काम करके को करने के अगर एम तरीके हैं एंड अनदर टास्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट टास्क इंडिपेंडेंट मतलब इसको करने पर दूसरे वाले का कोई उस पर रोक टोक नहीं है कह रहे भाई तू अपना मैं अपना 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 काम कर रहे हैं बट दोनों काम करने हैं फर्स्ट टास्क कैन बी डन इन एन वेस ठीक है तार

इस बात का कोई मतलब नहीं है बहुत गहरा मतलब है बट आपको इतना डीप सोचने की जरूरत नहीं है ये मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ ठीक है सिंपल भाषा में अगर ये पूरी लाइन को बोलता हूँ तो ये यही संक्षेप में बताता है कि भाई पहला काम भी करना है दूसरा काम भी करना है इन दोनों के बीच में कोई अड़चन नहीं है कि भाई तू करेगा तो मैं करूंगा मैं करूंगा तो तू करेगा ऐसे कोई डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हो रही है तो कह रहा है कि दोनों काम एक साथ करने के या एक के बाद दूसरा करने के मतलब ये भी करना पड़े ये भी करना पड़े तो उसके जो वेज हैं वो एम इन टू एन हो जाते हैं इसको एग्जाम्पल समझते हैं रहे पापा का परा कह रहे पापा का परा के पास में तीन शर्ट है ओके और दो जींस है पापा के परे को पार्टी में जाना है क्या करना है पार्टी करनी है ठीक है अगर पार्टी करनी है तो उसको कितने तरीके से तैयारी कितने तरीके से तैयार हो सकता है ऑब्वियसली वो गोविंदा बन के नहीं जा सकता कि बिना पैंट के चला जाए ऑब्वियसली वो सलमान खान के बना नहीं जा सकता है क्योंकि उसकी बॉडी वैसी नहीं है कि वो बिना शर्ट के चला जाए है ना वो वहां पे गा नहीं सकता ओ ओ जाने जाना कोई नहीं सुनेगा उसकी

एक तरीका यह पहन लिया या ये पहन लिया या ये पहन लिया तो तीन तरीके से मैं शर्ट पिक कर सकता हूं अब पैंट पिक करने के तरीके एक तरीका यह पैंट पिक कर ली एक तरीका यह पैंट पिक कर ली तो दो तरीके से मैं पैंट पिक कर सकता हूं यह भी करना है एंड यह भी करना है दोनों ही पहननी है दोनों ही पहननी है दोनों ही पहननी है मतलब यह भी पहन के जाना है एंड यह भी पहन के जाना है साइमिलटेनिस करने का मतलब यह नहीं कि दोनों एक साथ पहनना है ये नहीं हो सकता है ठीक है यह भी करना है एंड यह भी करना है पहन के ही निकलना है काम खत्म तभी माना जाएगा दोनों हो जाएंगे So, कितने तरीके से हो सकता है ये थ्री इंटू टू सिक्स वे थ्री इंटू टू सिक्स वे तो ये वर्ड था अपना पहला ठीक है अभी और क्वेश्चन कराऊंगा बट इसके बाद दूसरा वर्ड भी समझ लेते हैं दूसरा वर्ड है और।, और हिंदी में बोलते हैं या ठीक है जब भी ये दोनों वर्ड दिखाई देंगे तो आपको प्लस करना है इसका मतलब क्या है दो काम अगर है या तीन काम है दोनों में से एक करना है पहले दो पे बात करें दोनों में से एक करना है ठीक है दोनों नहीं करने दोनों में से एक करना है या फिर तीन काम है तो तीन में से एक करना है जब आपके पास चॉइस है बहुत सारी और करना एक ही काम है ठीक है सो उस केस में हम और यूज करते हैं इसी बात को इसने कॉम्प्लिकेटेड ले कॉम्प्लीकेटेड लिखा है कैन बी डन इन एम वेस एक काम को करने के अगर एम तरीके है एंड अदर टास्क विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट टास्क कैन बी डन इन एनवे दूसरा जो टास्क है उसको करने के अगर एन तरीके हैं टोटल नंबर ऑफ वेज इधर ऑफ देम कैन बी परफॉर्म कह रहा है ये भी करना है और ये भी करना है वर्ड देखो और की जगह में इसने इधर लिख दिया एक ही मतलब होता है इस बात का या कह रहा है ये कर लो या ये कर लो तो उसको करने के कितने तरीके कह रहा है ठीक है जैसे यहां पे क्वेश्चन कह रहा है पापा के परी के बारे में बात होगी पापा की परी के बारे में बात करेंगे क्योंकि पापा की परी के पास में तीन टाइप के जूते ठीक है एंड दो टाइप के सैंडल फोटो कुछ भी लगा रखिये बट ठीक है समझ जाओ कह रहे तीन टाइप के जूते और दो टाइप के सैंडल वेन एवर सी गोज आउटर वीर इधर शू और अ सैंडल शूज मतलब कि या तो जूते पहन के जाएगी या सैंडल पहन के जाएगी ये पुणे ही है कि एक सैंडल दूसरी पहन ली एक चप्पल दूसरी पहन ली नहीं भैया दोनों जो है वो क्या पहनेगी एक ही टाइप के एक ही पेयर के पहनेगी या तो जूता पहनेगी या फिर वो चप्पल पहनेगी ठीक है तो अगर उसको जूता पहनना है तो कितने तरीके से पहन सकती है कह रहे एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये है तीसरा तरीका ये है तो तीन तरीके से जूते पहन सकती है अगर उसको चप्पल पहननी तो एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये है यस तो दो तरीके से चप्पल पहन सकती है अब दोनों एक साथ तो नहीं पहन सकती है पू नहीं है वो ठीक है तो दोनों में से एक पहना है या तो ये या तो ये या आ गया तो प्लस का साइन तो आंसर कितना हो गया फाइव फाइव तरीके से ये चप्पल पहन के बाहर जा सकती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन

और आ गया तो प्लस बस और कुछ नहीं करना है ठीक है क्वेश्चन देखो कह रहे एक रूम के छह दरवाजे हैं हॉल रूम होगा ऑब्वियस बात है कह रहे हमारे कमरे में तो एक ही दरवाजा होता है अबे हॉल रूम है कभी गए हो हॉल में उसमें होता है ना छे, -छे मान लो ऐसे हॉल रूम है उसमें छह दरवाजे हैं कह रहे मैन कैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एक, एक दरवाजे से अंदर जा सकता है एंड क्या बोल रहा है कैन एंटर थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू द डिफरेंट डोर एक दरवाजे से अंदर जाना है और दूसरे से बाहर आना है पहले अंदर जाना है तो तो। जा छह तरीके है ना पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा चूज किया से एक से जाना है तो छह तरीके से जा सकता हूं अब कह रहे दूसरे से आना है बाहर अब ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर डिफरेंट मतलब अगर मान लो गया तो इस पर काटा मार दे बेटा पांच दरवाजे से एक तो या तो इससे आएगा या इससे या इससे या इससे या इससे इस कितने दरवाजे हैं पांच बचे क्या इन पांच में से एक में से आ सकता है क्या कह रहा है कह रहा है अ मैन कैन एंटर अ डोर एंड कम आउट थ्रू अनदर डोर ये भी करना है एंड ये भी करना है तो काम कब कंप्लीट होगा जब दोनों हो जाएंगे जब आपका काम कंप्लीट होने में दोनों काम करने होंगे तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई ये भी करना एंड ये भी करना मतलब मल्टीप्लाई तो काम कंप्लीट कब होगा जब दोनों हो जाएंगे तो कितने वेज हो गए सिक्स इंटू फाइव थर्टी वेज समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का सिलेक्ट करना है और इनमें से एक लड़की सिलेक्ट करनी है ठीक है टू रिप्रेजेंट क्लास इन अ फंक्शन इन हाउ मेनी कैन दिस टीचर मेक दिस सिलेक्शन अच्छा अगर मान लो बॉयज सिलेक्ट करना होगा पहला मान लो सताइस लड़के खड़े में इमेजिनेशन का खेल है सत्ताईस एक लड़का उठा सकते हो पहला आ जा नहीं दूसरा आ जा तीसरा चौथा पांचवा छठा सतवा आठवां नौवा दसवा सत्ताईस तो मतलब सत्ताईस तरीके बन गए जिसको पिक किया हर हर एक इंसान को पिक करने का एक तरीका तो ऐसे सत्ताईस लोगों को पिक करने के सत्ताइस तरीके सताइस तरीके से मैं एक लड़के को पिक कर सकता हूँ सेम तरीके से चौदह लड़कियों में से एक लड़की को पिक करना है तो कितने तरीके से कह रहे पहली लड़की नहीं दूसरी नहीं तीसरी ना चौथी ना पांचवी ना छठी ना ना सातवीं आठवीं ऐसे चौदह तरीके तो चौदह तरीके से इन लड़कियों को पिक करा जा सकता है चौदह में से मतलब एक को पिक करने के चौदह तरीके हो गए अ टीचर वॉन्ट्स टू सिलेक्ट वन बॉय और वन गर्ल क्या रहे दोनों में से एक ही करना है दोनों नहीं करना है दोनों में से एक या तो ये या तो ये दोनों में से एक करना है तो प्लस का साइन या वर्ड जैसे ही आ गया प्लस का साइन कितने तरीके हो गए टोटल फोर्टी वन तो फोर्टी वन से सिलेक्शन हो सकता है नेक्स्ट गिवन फोर फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर चार फ्लैग हैं अलग अलग कलर के चार फ्लैग है अलग अलग कलर के पिंक लगा दिया फिर अपन ने ऑरेंज लगा दिया फिर अपन ने वाइट लगा दिया और फिर अपन ने ग्रीन लगा दिया तिरंगा बना दिया ठीक है ओके ठीक है अलग अलग कलर के हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ टू फ्लैग अपने पास में अपने को क्या करना है अपने को सिग्नल बनाना है जिसमें दो फ्लैग की जरूरत पड़े अपने को सिग्नल बनाना है जिसमें दो फ्लैग की जरूरत पड़े ठीक है अब देखो कितने तरीके से कर सकते हैं ये पूछ रहा है तो भैया बहुत सिंपल सा काम है क्या करोगे कह रहे दो फ्लैग दो कलर पिक कर रहे हैं चार कलर पड़े हैं तुमको यहाँ दो पिक कर रहे हैं तो कह रहे भाई अब देखो सोचने का तरीका क्या है काम कैसे किया जाएगा काम कैसे किया जाएगा वो थोड़ा प्रैक्टिस आएगा मैंने बोला इसको भर देते हैं है ना इसको भर देते हैं फोकस करना पड़ेगा कह रहे काम क्या करना है उस पर चलते हैं कह रहे इसको भरना है सोचो अपने आपको चार पेंट कलर पड़े तुमको भरना है कितने तरीके से भर सकते हो कह रहे चार तरीके एक दो तीन चार चार में से कोई एक डाल देंगे तो इसको भरने के चार वे अब तुमने बोला एक कलर जो भर दिया ना दूसरा कलर अलग भरना है तभी तो दो डिफरेंट कलर आएंगे अब यहां कॉमन सेंस कह एक कलर भर दिया मान लो पिंक वाला कह रहा ये चला गया ये चला गया अब नीचे में जो भरेगा ना बाकी तीन कलर में सोना चाहिए तीन कलर कौन से हैं ये तीन है। तो इनको भरने के एक दो तीन तरीके तीन में से कोई एक डालना है तो यहां पे इसको भरने के तीन तरीके तो कह रहे कितने तरीके से सिग्नल बन सकता है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ना भाई जब ये दोनों भरे जाएंगे तब होगा का काम ये भी भरना पड़ेगा एंड ये भी भरना पड़ेगा जब दोनों भरे जाएंगे तब होगा का काम तो दोनों भरे जाएंगे तो मतलब मल्टीप्लाई होगा तो फोर इंटू थ्री सेवन वे से मैं दोनों भर सकता हूं दोनों भर सकता हूं मैं फोर इंटू थ्री सेवन वे से ठीक है नेक्स्ट इन हाउ मेनी कैन फाइव लेटर बी पोस्टेड इन फोर लेटर बॉक्स ठीक है लेटर समझते हो चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है एक लेटर दो लेटर तीन लेटर चार लेटर पांच लेटर ये हो गए हमारे लेटर लेटर बॉक्स कैसे होते हैं थोड़े अलग टाइप के होते हैं कितने लेटर बॉक्स है चार लेटर बॉक्स है चार लेटर बॉक्स है करें एक बार आओ चार लेटर बॉक्स ठीक है चार लेटर बॉक्स एक लेटर बॉक्स दो लेटर बॉक्स ठीक है तीन लेटर बॉक्स और अपना थोड़ा सा ऊपर बना दो तो चार लेटर बॉक्स ठीक है लेटर बॉक्स पता कैसे दिखते हैं ऐसे ना ऊपर में कुछ ऐसे डोम सा होता है इनके ऊपर में ऐसे करके देखिए तुमने कभी लेटर बॉक्स नहीं देखा होगा तुमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये हो गया तो हो गया ठीक है ये चार लेटर बॉक्स बना दिया अपन ने कि कितने तरीके से पांच लेटर पोस्ट करे जा सकते हैं चार लेटर बॉक्सेस में और थोड़ा सोच के देखो आपको ना बड़ा एक दिमाग लगाना पड़ेगा ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आपको ये कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्लियर हो जाएगा नहीं आया तो थोड़ा दिमाग लगाओ पे आपके में पास में पांच लेटर है चार लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है तो क्या कर सकते हो कह रहे सर देखो ये वाला लेटर बॉक्स अगर इसमें चला गया सर तो ये वाला लेटर इसमें चला गया ये लेटर इसमें चला गया ये लेटर इसमें चला गया ऐसा हो गया अब ये लेटर कह रहे अभी ओ भाई लेटर बॉक्स में तो चार लेटर भी डाल डालते तो पांच डाल डालते उसमें तो फर्क नहीं पड़ता कह रहा ये भी तो वापस जा सकता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो अगर तुम सोचोगे इसको तो कैसे करा जाएगा मतलब नंबर ऑफ लेटर बॉक्सिस पर डिपेंड नहीं करता कि कितने लेटर उस बॉक्स में जाएंगे एक लेटर बॉक्स में तो पांचों के पांचों डाल सकता है तो चार डाल सकता है तीन डाल सकता है दो डाल सकता है एक डाल सकता है तो लेटर बॉक्स में लेटर डालने की कोई कंडीशन नहीं है कंडीशन किस पर है एक लेटर तो बॉक्स तो एक लेटर तो एक बॉक्स में जाएगा ना वो चला गया तो चला गया सोचो ये बात को ठीक है भाई कंडीशन क्या है है ये सोचना है। जो काम एक सिंगल हो सकता है उस पर सोचना है कह एक लेटर पे कंडीशन है कि वो एक ही बॉक्स में जा सकता है उस पर सोचना है यस लेटर बॉक्स कह रहे मेरे पे कोई कंडीशन नहीं है मेरे में एक डाल दो डाल तीन डाल चार डाल पांच डाल कोई दिक्कत नहीं है लेटर में दिक्कत है लेटर बोल रहा है कि मैं एक ही में जा सकता हूं कह रहा क्या जिसमें कंडीशन पड़ी है सिंगल उस पर ध्यान देंगे दूसरे वाले को कह तू निकल यहां क्या में हमें तेरे से मतलब नहीं ठीक है तो लेटर कह रहा है अच्छा जी मेरे पास क्या ऑप्शन है तुम अब लेटर बन जाओ खुद को लेटर की तरह सोचो क्या कर सकता हूं कह रहा है मैं इसमें जा सकता हूं एक तरीका मैं इसमें जा सकता हूं दूसरा तरीका मैं इसमें जा सकता हूं तीसरा तरीका मैं इसमें जा सकता हूं चौथा तरीका तो पहले लेटर के पास कितने तरीके हैं चार लेटर चार तरीके तो पहला लेटर गया बाय बाय टाटा मैं एक में चला गया दूसरा लेटर कह रहे तेरे जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कह रहा मेरी अलग कहानी है कह एक तरीका दूसरा तरीका तीसरा तरीका चौथा तरीका चार तरीके से यह लेटर भी जा सकता है सेम तीसरा लेटर भी सेम बात बोल रहा है कह रहे भाई तुम दोनों जिसमें गए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता मैं भी किसी में भी जा सकता हूं मैं भी इंडिपेंडेंट हूं एक तरीका दो तरीका तीन तरीका चार तरीका चार तरीके से ये भी लेटर जा सकता है अगला भी सेम चार तरीके से चौथा लेटर भी जा सकता है और अगला भी सेम चार तरीके से पांचवा लेटर भी जा सकता है क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है इधर में कंडीशन सिर्फ इसमें कि ये एक एक ही बार जाएगा है ना अब वो जा कितने में भी जा सकता है ठीक है तो कंडीशन इस बार उल्टी पड़ गई है ठीक है ना सो आंसर आ गया फोर की पावर फाइव कैलकुलेटर से कर लेना की पावर फाइव कितना होता है यस इतने तरीके से तुम डिफरेंट डिफरेंट इतने डिफरेंट तरीके से तो तुम पांच लेटर चार लेटर बॉक्सेस तो में पोस्ट कर सकते हो तो फोर की पावर फाइव आया मेरा वन जीरो टू फोर तो वन जीरो टू फोर तरीके से मैं लेटर पोस्ट कर सकता हूं ठीक है नेक्स्ट अब अभी और कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे अभी पहले बात करना चाहता तो हूँ आपसे फैक्टोरियल क्या होता है ठीक है पम्टेशन क्या होता है कॉम्बिनेशन क्या होता है उस पर मैं समझाऊंगा आपको बट पहले उससे पहले समझाना चाहता हूं फैक्टोरियल क्या होता है फैक्टोरियल एक वर्ड होता है उसका मतलब पता है एक बड़ा सिंपल सा है कह रहे मैंने बोल दिया एट फैक्टोरियल इसका मतलब होता है कि आठ से उल्टी गिनती चालू करो माधुरी दीक्षित उल्टे तरीके से माधुरी दीक्षित बोल बोलना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो हम उल्टा बोलेंगे आठ सात छ पाँच चार तीन दो एक ठीक है और एक तक रुक जाना है माधुरी दीक्षित ने एक से शुरू किया तो हम एक तक रुक जाएंगे तो उल्टी गिनती शुरू करी कहाँ से इस नंबर से और रुकना है एक तक तो ये फैक्टोरियल बन जाता है वाह वाह मतलब बड़ी चीज को छोटे में तरीके में लिखने का तरीका है ओके, सो एट फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन आंसर आ गया फोर जीरो फोर जीरो थ्री टू जीरो अच्छा वन फैक्टोरियल की वैल्यू ऑब्वियसली एक ही नंबर है टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू इंटू वन टू हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाएगी दैट इज थ्री फोर फैक्टोरियल की वैल्यू अब देखो चार और मल्टीप्लाई हो गया तीन, में तीन दो इंटू दो था ऊपर तो 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 वाला, तो वाला तो आएगा ही आएगा क्योंकि चार से एक नंबर बड़ा किया तो यहाँ पे पांच जो बड़ा किया वो वाला भी आ गया एंड ऑन ठीक है बट ये जीरो फैक्टोरियल क्या होता है ये याद रखना जीरो प्रूफ कर नहीं जाते हैं अभी ठीक है फालतू की बात है याद रखना पमोटेशन के फॉर्मूला से प्रूव होता है जीरो फैक्टोरियल क्या होता है वन होता है और वन फैक्टोरियल भी वन होता है ठीक है वन फैक्टोरियल भी वन होता है जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है यही मैं बोल रहा था जल्दी से इसको फिल करो एट फैक्टोरियल मैंने करा दिया पांच फैक्टोरियल मतलब पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक ठीक है कितना हो गया एक सौ बीस आएगा चेक करना ठीक है नाउ अब अगर मैं बात करता हूं आपसे छ फैक्टोरियल कितना हो जाएगा कह रहे जो ऊपर वाला नंबर लिखा ना आपने पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक इसको आप छे से भी मल्टीप्लाई करा दो तो ये बीस था एक बीस को छह से मल्टीप्लाई करो सात बीस अब मैं तुमको कुछ फैक्टोरियल्स की लिख लिखकर दे रहा हूं याद रखना है ठीक है मल्टीप्लाई करा दिया छ फोर फैक्टोरियल इस चार को इस मल्टीप्लाई करा दिया चौबीस फैक्टोरियल इस पांच को इस चौबीस से मल्टीप्लाई करा दिया फैक्टोरियल इस सात सौ बीस से मल्टीप्लाई करा दू तो आ जाएगा फाइव जीरो और ये सेवन फैक्टोरियल तक याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज आता है तो अपना टाइम बचेगा तो पहले जीरो से लेकर सेवन फैक्टोरियल तक अपने को याद रखना है इससे बहुत टाइम बचता है ठीक है अब तुमको डिवीजन ऑफ फैक्टोरियल सिखाता हूँ उससे कई बार अपना जो ट्रिक सिखाने वाला हूं ना वो बहुत हेल्पफुल है देखो हमने बोला टेन फैक्टोरियल जो होता है ना टेन फैक्टोरियल का मतलब क्या है टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ठीक है दस से उल्टी गिनती चला दिए अच्छा अगर तुम फोकस करोगे ये क्या है मेरा फोर फैक्टोरियल तो मैं बोल सकता हूँ टेन फैक्टोरियल सर और कुछ नहीं दस फैक्टोरियल इन दस इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल है है ना सो मतलब अगर कोई नंबर फैक्टोरियल में लिखा है मैं उससे उल्टी गिनती चलाऊं और जिस फैक्टोरियल तक रोकना चाहूं अगर उससे कोई छोटा नंबर में वहां तक रोक सकता हूं बस उससे पहले वाले नंबर तक लिख देना ठीक है सो मेरे पास नीचे में फोर फैक्टोरियल दिख रहा था तो मैं टेन फैक्टोरियल को अगर फोर फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं दस से उल्टी गिनती चलाऊंगा दस से उल्टी गिनती चलाई मैंने और कहा रुक गया क्या जैसे ही ये चार नंबर दिखा क्या चार नंबर पे रुक गया और इसका फैक्टोरियल ले लिया अच्छा याद रखना दिया होगा दोनों मतलब एक ही है। ऐसे फोर के मैं ऐसे बड़ा सा एल लगा दे या फोर के आगे एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दे दोनों का मतलब एक ही फैक्टोरियल निकालना है ठीक है ठीक है तो आंसर आ गया दस इंटू नौ इंटू आठ इंटू सात इंटू छः इंटू पाँच सो वन फाइव वन टू डबल ज़ीरो मेरे भाई अगर कहीं से मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए पहले से माफ़ी करता हूँ मैं कोई बटन गलती बस से मुझसे प्रेस हो सकता है तुमको समझा रहा हूँ बात कर रहा हूँ एक्सप्रेशन देने क्या बोलना है कैसे बोलना है बहुत कुछ सोच रहा हूँ तो टाइपिंग एरर हो सकती है या फिर कुछ कैलकुलेटर में बटन गलत प्रेस हो सकते हैं लास्ट इक्वेशन की क्लास में भी हो गया था मुझसे तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना ठीक है अगला करके देखो सेम तरीके से इन फैक्टोरियल बाय फाइव फैक्टोरियल तो नाइन से उल्टी गिनती कहां तक चलूंगा कह रहे जैसे ही मुझे पांच दिख जाएगा तो पांच दिखा कह रहे उसका नीचे फैक्टोरियल पड़ा है तो वहां तक रोक दे ठीक है अब फैक्टोरियल से डिवाइड करा काट दिया दिया काट तो क्या आंसर बच गया नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स तो थ्री जीरो टू फोर ठीक है फाइव फैक्टोरियल बाय टेन फैक्टोरियल अब देखो नीचे में टेन फैक्टोरियल पड़ा है ऊपर में फाइव फैक्टोरियल तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है फाइव फैक्टोरियल इट इज़ रखा नीचे में टेन फैक्टोरियल तो दस नौ आठ सात छ 5 फैक्टोरियल ऊपर वाला आ गया ठीक है 5 आया 5 से आगे उल्टा नहीं चलेंगे 5 के फैक्टोरियल को लिख देंगे ठीक है ऐसे काट दिया तो ये बन गया वन बाय में कितना हो गया दस इंटू नौ इंटू आठ इंटू सात इंटू छः इंटू पाँच तो ये अगेन वन फाइव वन टू डबल जीरो आ गया है ठीक है ओह पाँच तक नहीं आएंगे ना पाँच तक नहीं आएंगे पाँच तो हटा दिया थ्री जीरो टू फोर जीरो हो गया थ्री जीरो टू फोर जीरो हो गया ठीक है पांच फैक्टोरियल तो हट गया ना पांच मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया था छह तक ही करना है मल्टीप्लाई ठीक है आगे अब इसका यूज़ कैसे देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है क्या कह रहे हैं कह रहे हैं वन बाय सिक्स फैक्टोरियल प्लस वन बाय फाइव फैक्टोरियल हमारा जो है वो एक्स बाय सेवन फैक्टोरियल है तो ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी फाइंड एक्स देखो

सात इंटू छ इंटू पांच अरे पांच फैक्टोरियल तक रुकना था मैं रुक गया ठीक है गाड़ी वहीं रोक देनी है ठीक है गाड़ी वहीं रोक देनी है सो so, मैंने एक कन्वर्ट कर दिया सिक्स फैक्टोरियल को सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल और फाइव फैक्टोरियल को तो एज इट इज रखा यहां पर इसको सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल अब अगर मैं चाहूँ देखो डिनोमिनेटर में अगर फाइव फैक्टोरियल हर जगह दिख रहा है तो मैं फाइव फैक्टोरियल को यहाँ कॉमन ले सकता हूँ यहाँ क्या बचेगा ये कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या वन बाय सिक्स इसको कॉमन ले लिया तो वन बाय सिक्स ये पूरा कॉमन ले लिया तो यहां पे वन बचेगा ठीक है यहां हो गया x बाय सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल अगर मैं यहां पर इस फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल से कट करूं अगर मैं इस फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कट करूं तो ये क्या बनता है आपका देखो यहां पर देखो एलसीएम ले लिया सिक्स वन में एड वन प्लस में वन इंटू सिक्स सिक्स बाई सिक्स इज इक्वल टू एक्स बाय में सेवन इंटू सिक्स ठीक है तो हो गया मेरा सेवन बाय सिक्स इज इक्वल टू एक्स बाय से ना तो ये सिक्स कैंसिल मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी नाइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई फोर्टी नाइन आ गया ठीक है तो एक्स क्या आ गया अपना फोर्टी नाइन आ गया एक क्वेश्चन और देखते हैं कह रहे अगर एन प्लस टू का फैक्टोरियल मेरा ट्वेल्व इन टू एन फैक्टोरियल है तो एन की वैल्यू क्या है ये बड़ा ध्यान से देखना इसका मतलब समझो पहले अगर मैंने लिखा तो मैं पांच प्लस दो का फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होगा सात फैक्टोरियल मेरे को बोल रहा है ये पांच फैक्टोरियल की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा ये बोल रहा है मुझे पांच फैक्टोरियल की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा भाई सात फैक्टोरियल को अगर मुझे पांच फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है तो यहां पे मैं क्या करूंगा सात लिखूंगा यहां मैं छः लिखूंगा अगर इसी फॉर्म में लिखूं तो मैं पांच प्लस दो जो अंदर में नंबर पड़ा हुआ है वो लिख रहा हूं ना भाई सात क्या पांच प्लस दो वो लिख रहा हूं फिर उससे एक कम तो पांच प्लस दो से एक कम किया पांच प्लस एक आ गया और फिर मैं इसको लिख दूंगा जो मुझे चाहिए तो ऐसे लिख सकता हूं अब सोचो ये पांच की जगह अगर एन पड़ा होता तो एन प्लस टू फैक्टोरियल में क्या करता कह रहा है जो नंबर लिखा है उसको एज इट इज लिखता फिर इससे एक कम इसको लिख देता फिर इससे एक कम एन बन जाता और इसका फैक्टोरियल मुझे चाहिए था क्यों चाहिए था क्योंकि यहां एन फैक्टोरियल है तो इसका मतलब इसको बाहर निकाला उससे एक कम बाहर उससे उसका फैक्टोरियल उधर में पड़ा यहां तक मैं लिख लेता हूं ठीक है सही है ये हो गया यहाँ तक कह फैक्टोरियल so, से एन से प्लस टू इन टू में बारह मिल रहा है अब देखो ध्यान से मैं कुछ समझा रहा हूं ये नंबर इससे एक बड़ा है भाई अगर मैं एन प्लस वन में वन ऐड कर दूं तो मुझे एन प्लस टू मिलेगा अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं तो ये मुझे मिलेगा तो अगर मैं बारह को कुछ इस तरीके से लिख सकूं जहां पर एक नंबर दूसरे से एक बड़ा हो तो काम बन जाएगा हम मैच कर देंगे ना अगर यहां पर यह बड़ा है और मैं बोलता हूं बारह को मैं चार इंटू तीन लिख देता हूं बारह को चार इंटू तीन लिख सकता हूं नोटिस करो क्या यहां पर तीन चार से एक बड़ा चार तीन से एक बड़ा है ये सर यहां पर यह भी इससे एक बड़ा है तो ये मैं बोल सकता हूं ना भाई कि ये ये चीज इसके इक्वल है मैं यहां से ये बोल सकता हूं, याद रखना एन प्लस टू मेरा इसका मतलब चार के इक्वल है या फिर छोटे वाला छोटे के इक्वल है इसका मतलब बताया क्या है कि भाई ऐसे बोलते हैं कि अगर एक दूसरे से एक बड़ा है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं और मैं इधर में कॉन्जिक्यूटिव बढ़ा लू बना लू कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक दूसरे से एक बड़ा है ठीक है तो बड़े वाला कॉन्जीटिव नंबर बड़े वाले के इक्वल छोटे वाला कॉन्जिक्यूटिव छोटे के इक्वल मैं कर सकता हूँ ठीक है तो यहां से एन क्या आ गया मेरा चार माइनस दो दो के इक्वल यहां से भी देखोगे सेम मिलेगा एन के आगे तीन माइनस एक दो के इक्वल तो एन की वैल्यू अपने को दो आती दिख रही है N की वैल्यू अपने को दो आती दिख रही है है ठीक नाउ फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझ लिया नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं ये दो वर्ड इन दो वर्ड का मतलब क्या है ये हमें समझना है ठीक है परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट कि भाई चूज कर ले और फिर उसके बाद तू अरेंज कर ले सिलेक्शन को हम चूज करना भी बोल सकते हैं ठीक है इसको अपन चूज करना भी बोल सकते हैं ठीक है ना इसको अपन चूज करना भी बोल सकते हैं ठीक है तो चूज करके अरेंज करना कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ओनली कि भाई तू सिलेक्ट सिलेक्ट करेगा तो उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं ठीक है इस बात को एग्जाम्पल समझाता हूँ जल्दी समझ में आएगा कोच कबीर खान तुम्हारे स्कूल में आए हैं

ठीक है मान लो पंद्रह लोग चाहिए कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में भी रखना है देखेंगे या चलो ठीक है हम प्लेइंग क्रिकेट खिला दिया इस बार सबको क्रिकेट पता है ओके ओके हाँ मुझे खुद आइडिया नहीं है ठीक है कह क्रिकेट खिला दिया ठीक है या चलो फुटबॉल खिला दिया फुटबॉल अच्छा गेम है कह रहे हाँ सर फुटबॉल सबको पता है कुछ जनता आ जाती है एक सर फुटबॉल के बारे में बता दो तो, फुटबॉल स्कूल में खिलाते थे क्रिकेट स्कूल वाले खिलाते नहीं थे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है है ना फुटबॉल खिला दिया ठीक है यस ऐसे कुछ होता ग्राउंड पता क्या होता है एक टीम पे बात करेंगे एक डिफेंडर होगा या एक यहां पे सॉरी गोलकीपर होगा एक दो तीन मान लो डिफेंडर यहां पे तीन लगा दिया अलग अलग पोजीशन थी मैंने ऐसे लगा दिया ठीक है फिर दो बीच में मिडफील्डर लगा दिए ठीक है फिर अपन ने यहाँ पर ऐसे लगा दिए कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक अपन ने यहाँ पर आगे में लगा दिया जो स्टार्टिंग में जाएगा लड़ने के लिए तो अपन ऐसे कुछ अरेंजमेंट करते हैं कितने लड़ जनता है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस कह रहे तुम में से दस लोगों को सिलेक्ट करता हूँ मैं दस का सिलेक्शन कर दिया तो कोच खबीर खान ने चालीस में से दस का सिलेक्शन किया है। क्या किया चालीस में से दस का सिलेक्शन किया तो सिलेक्शन किया है, ठीक सिलेक्शन किया अब सिलेक्शन करके तुमको बिठा दिया जाए मजा आएगा खैर क्या कर लेंगे सर अब खिलाओगे तो सही फिर अब सोचो अब यहां पे अलग अलग पोजीशंस हैं इन पोजीशन का नाम होता ऐसे, है ना ये गोलकीपर है ये डिफेंडर वन हो गया ये डिफेंडर टू हो गया ये डिफेंडर थ्री हो गया ये मिड फील्डर वन हो गया ये मिड फील्डर टू हो गया है ना ये फॉरवर्ड वन हो गया ये फॉरवर्ड टू हो गया ये फॉरवर्ड थ्री हो गया और ये सेंटर फॉरवर्ड हो गया ऐसे करके कुछ कुछ नाम होते हैं ये सेंटर फॉरवर्ड होता है ये सेंटर फॉरवर्ड ऐसे कुछ कुछ नाम होते हैं ठीक है यस yes, तो अपने पास अलग अलग नाम हो गए ठीक है अब मुझे पता है तुम कुछ बोलेंगे सर ये लेफ्ट फॉरवर्ड है राइट फॉरवर्ड है अभी सिंपल भाषा में बात करते हैं अब मतलब ये दस पोजीशन है तो अगर दस पोजीशन है तो दस जगह पे अरेंज करना पड़ेगा तो सिलेक्शन करने के लिए खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को अरेंजमेंट करना पड़ेगा तो यही बोल रहे हैं जब मैं सिर्फ सिलेक्शन कर रहा हूं जब मैं सिर्फ येलो तक रुक गया तो मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूं जब मैं सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी कर रहा हूं तो मैं परमोटेशन कर रहा हूं ठीक है okay? ओके अभी क्या है ना अपन फॉर्मूला जब बनाते हैं ना तो सिलेक्शन का फॉर्मूला ना सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट के फॉर्मूला से बनता है तो इसीलिए हम फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले परमोटेशन का फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन क्योंकि फॉर्मूला जब बनाएंगे ना तो का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है फिर उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन वाला पार्ट क्या है? यहां से यहां तक का टोटल प्रोसेस सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट और यहां से यहां तक सिर्फ सिलेक्शन करना हो गया हमारा कॉम्बिनेशन समझ में आ गया ठीक है चलो ओके सो परमोटेशन क्या करता है द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इन अ सेट व्हेन द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट मैटर्स ऑर्डर अरेंजमेंट का मैटर करा जा रहा है इसका मतलब क्या तुमने उसको अरेंज किया है ऑर्डर का मतलब क्या होता है जो इंसान जहां है वो वहां रहेगा लाइन में अरेंज हो सकता है सर्कल में अरेंज हो सकता है कैसे भी हो सकता है बट अपन दो ही टाइप के अरेंजमेंट देखेंगे पहले मान के चलेंगे कि लाइन में अरेंजमेंट किया और दूसरा मानेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट और कुछ नहीं देखना अपने को ठीक है अब जैसे बोल सकते हो ना यार देखो ये पोजिशनिंग है ये पोजिशनिंग भी है मैं एक भी टाइप का अरेंजमेंट ये कर सकता हूँ इसको आगे पीछे थोड़ा सा सक कर सकता हूँ इसकी, इसकी शेप बदल सकता हूं ऐसे नहीं हम मानते हैं कि एक ही शेप है तो अपन फिक्स शेप मान के उसमें अरेंजमेंट करेंगे ठीक है और उसमें ऑर्डर मैटर करेगा गोलकीपर सेंटर फील्ड की जगह नहीं ले सकता और डिफेंडर फॉरवर्ड की जगह नहीं ले सकता ठीक है समझ में आया तो इसको एक और एग्जाम्पल यहाँ रखा है कह रहे हाउ कैन टू बॉक्स आउट ऑफ थ्री डिफरेंट बॉक्स कैन बी अरेंज ऑन अ टेबल एक टेबल पड़ी है यहाँ पर अपने पास में ऐसे जगह है एक दो तीन अपने पास में दो डब्बे पड़े हैं दो डब्बे कह रहे कितने तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो पहले बिना फॉर्मूला के करेंगे बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फिर विद प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करेंगे है ना आपने बोला अच्छा मेरे पास तीन जगह है ना तीन जगहें दो बॉक्सेज है इसको पुट करना है कितने तरीके से कर सकता हो कह रहे यार जो चीज़ कम होएगी ना उस पर फोकस करना ऐसे केस में देखो यहां पर क्या था इस पर मत जाना कुछ बच्चे भी ध्यान जैसे मैंने बोला वो इस पर चले गए इसको इग्नोर करो अभी के लिए ये क्वेश्चन नंबर छः जो था ना यहां पर जो अपन ने पढ़ा ना कि हमने बोला जो चीज़ कम होगी उस पर फोकस करेंगे साथ में एक और कंडीशन कि जो चीज़ एक बार होगी उसी पे रखना है पहला फोकस किस पे करना है लिखो मेरे साथ हमेशा फोकस किस पे करना है ये चीज़ अगर क्लियर होगी ना तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है लिखो मेरे साथ साथ फोकस किस पे करना है फर्स्ट जिसका सिंगल टाइम यूज होगा जैसे अपने लेटर एक ही बार यूज कर सकते हैं बट लेटर बॉक्सेज मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं ठीक है ओके okay? पहले इसको देखना है ये अगर ये अगर सॉर्टेड है उसके बाद ही अगर मान लो लग रहा है कि भाई दोनों ही चीजें सिंगल टाइम यूज हो सकती है दोनों ही चीजें सिंगल टाइम यूज हो सकती है है ना ये वाली भी एक ही बार यूज सकती है ये वाली भी एक बार यूज होती है।, है फिर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर तो आपको दूसरी कंडीशन पर जाना है दैट इज ही अपने को नंबर ऑफ थिंग्स नंबर ऑफ चीज है ना जो कम है उस पर फोकस उस पर फोकस करना है मतलब क्या इस बात का देखो जैसे इस एग्जाम्पल समझाता हूं कह रहे दो डब्बे पड़े तीन पोजीशन पड़ी है तो ये तीन जगह है तीन चीजें मान लिया और ये दो बॉक्सेस हैं मतलब दो चीज मान लिया ठीक है मैंने बोला क्या एक बॉक्स एक ही बार जा सकता है हाँ वो चला गया तो चला गया ठीक है और सेम तरीके से क्या एक पोजीशन एक ही बार भरी जा सकती है उसके ऊपर तो नहीं डाल सकता मैं कुछ नहीं ये बाय डिफॉल्ट ऐसे काम नहीं करोगे ना तीन जगह पे रखने का मतलब क्या एक जगह ये एक जगह ये एक जगह ये अगर ये भर गई तो भर गई या फिर एक बॉक्सिस रख दिया तो रख दिया बात खत्म हो जाती है हमारी बात खत्म हो जाती है ठीक है तो पहली वाली कंडीशन दोनों ही जगह पर सिंगल टाइम यूज हो रहा है इसको भी एक ही बार भर सकता हूं और ये भी एक ही बार जा सकता है दो तो दोनों जगह दोनों चीज़ मेरी सिंगल टाइम यूज हो रही है तो ये मेरा सॉर्टेड है तो पहली कंडीशन जब चली जाती है गायब हो जाती है फिर हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं कह रहे हैं नंबर ऑफ चीज जो कम बार हो रही है उस पर फोकस करना है कह रहे ये दो बार हो रहा है ये तीन बार हो रहा है तो हम इस पर फोकस करेंगे तो अपना जो काम शुरू करेंगे वो किससे करेंगे दो बॉक्सिस का रखने का अपना काम किस पे शुरू करेंगे दो बॉक्सिस पे रखने का तो अपन जगह भरने का काम नहीं कर रहे हैं अपन दो बॉक्सिस रखने का काम कर रहे हैं तो इस बॉक्स को मैं कितने तरीके से रख सकता हूं कह रहा है एक तरीका दो तरीका तीन तरीका एक तरीका दो तरीका तीन तरीका तो ये बॉक्स इसको भरने के तीन तरीके हो गए है ना मान लो मैंने ये वाला बॉक्स यहां रख दिया तो ये जगह चली गई तो ये बॉक्स कह रहा है मेरी बारी आई अब मेरे को जाना है कह रहा है भाई एक जगह चली गई है ये वाला बॉक्स लेके चला गया तो एक तरीके से यहां पे इसको मैं भर सकता हूं और दूसरे तरीके से मैं यहां पे इसको भर सकता हूं तो दो तरीके से मैं इस बॉक्स को भर सकता हूं दो तरीके से एक तरीका दो तरीका दो तरीके से मैं इस बॉक्स को भर सकता हूँ तो कितने तरीके हो गए टोटल तीन इंटू दो छ वे से इस बॉक्स को भर सकता हूं छ वे से मैं इस बॉक्स को छ वे से इस तरीके वे से मैं इस टेबल पर बॉक्सिस को रख सकता हूं छ वे से मैं इस टेबल पर बॉक्सिस को रख सकता हूँ समझ में आया बहुत प्यारी चीज थी अब बात करते हैं आपसे परमोटेशन का फॉर्मूला कैसे लगेगा परमोटेशन का फॉर्मूला होता है कह रहे तीन आपके उसमें बड़ी चीजें देखो कह रहे बड़ा ये है ये कंडीशन पहले फुलफिल होनी चाहिए कि सिंगल टाइम यूज होगा परमोटेशन में याद रखना जगह भी सिंगल टाइम भरी जाएगी और जो रखना है वो भी सिंगल टाइम यूज किया जाएगा दोनों ये चीज पहले कंडीशन क्लियर होनी चाहिए ये वाली कंडीशन उसमें होनी चाहिए तभी परमोटेशन शुरू भी कर सकते हो ठीक है यस फिर उसके बाद में कह रहे जो ज्यादा है उसको ऊपर लिखना है जो कम है उसको नीचे लिखना है अब इसका मतलब यह है टोटल अरेंजमेंट अगर मैं चाहूं एक फॉर्मूला से लिख सकता हूं दैट इज थ्री इसका मतलब क्या है कह जो ऊपर वाला नंबर है ना उसके फैक्टोरियल को डिवाइड करा दो इन दोनों के डिफरेंस के फैक्टोरियल कह रहे आपका आंसर आ जाएगा क्या बोला मैंने कह रहे पहले ये भी सिंगल टाइम में भर सकता था जगह को एक बार ले लिया तो ले लिया दूसरा इस पर आकर नहीं टपक सकता दूसरा बॉक्सिस भी सिंगल टाइम जा सकते थे ये कंडीशन अगर लग रही है ये कंडीशन अगर लग रही है तो हम बोलते हैं परमुटेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा परमुटेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा क्या कैसे लगेगा कह रहे भाई सिंपल सा काम है जितनी जगह है वो तीन है जितने भरने हैं वो दो हैं कह रहे है जो ज्यादा नंबर है उसमें से ऊपर लिख दिया और छोटा नंबर जो है वो नीचे लिख दिया बीच में पी लगा दिया और ये क्या दर्शाता है कह रहे ऊपर जो नंबर लिखा है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल तो ये होगा गया थ्री फैक्टोरियल बाय में वन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल इज थ्री इंटू टू इंटू वन नीचे में आ गया वन फैक्टोरियल वन होता है सो आंसर क्या बन गया आंसर इज सिक्स ना थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स हो गया तो फॉर्मूला देखना मैंने बोला अगर मेरे पास एन जगह है और मेरे पास आर चीजें हैं एन जगह में आर चीजों को अगर मुझे अरेंज करना है एन पी आर तरीके से किया जा सकता है एन जगह पर अगर मुझे आर चीजों को अरेंज किया करना है तो एन पी आर तरीके से किया जा सकता है आंसर में ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में डिफरेंस ऑफ द बोथ का फैक्टोरियल डिफरेंस ऑफ बोथ का फैक्टोरियल ठीक है समझ में आया सो so, ये फॉर्मूला होता है ठीक है पहले फॉर्मूला को अपन थोड़ा सा खंगालते हैं ये देखो वापस लिख देता हूं तो ये फॉर्मूला क्या होगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल यहां पर एक कंडीशन होती है कि एन जो होगा हमेशा ग्रेटर देन आर होगा और ये दोनों हमेशा पॉजिटिव नंबर हो क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता ही नहीं है ठीक है ओके अच्छा अगर ये बोलता है कि आपको एन चीजें थी और आपने एन की एन जगह पर अरेंज करना है मतलब में ती, दो ती पे की जगह में जगह पर तीन बॉक्सेस तीन टेबल मतलब जितने बॉक्सिस सबको अरेंज करना है तो एन में से एन को अरेंज करने का तरीका हो गया एन फैक्टोरियल बाय माइनस एन फैक्टोरियल है ना हो गया एन फैक्टोरियल बायो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल कितना होता है one, तो आंसर होगा एन पी एन की वैल्यू एन फैक्टोरियल होती है अच्छा सेम मान ले तेरे पास एन जगह है बट तेरे पास कोई डब्बा नहीं अरेंज करने का तो कितने तरीके से तू अरेंजमेंट कर सकता है सोच सकते हो सर तेरे पास एन जगह है बट डब्बा कोई नहीं अरेंज करने का तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता है तो एन में जीरो चीजों को अरेंज कर दिया तो आंसर क्या होगा इस फॉर्मूला से देखो एन फैक्टोरियल बाय में माइनस जीरो का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल बाय में माइनस जीरो तो ये तो बन हो गया है सर अगर मेरे पास कुछ सामान नहीं है तो मैं अरेंज क्या करूंगा कुछ ना करना भी यहां पर अरेंजमेंट माना जाता है तूने कुछ नहीं किया खाली पड़ा हुआ है कह क्या ये अपने आप में एक डिफॉल्ट अरेंजमेंट है है ना कुछ नहीं है ना हाँ क्या वो भी एक अरेंजमेंट मानते हैं यहां पर अपन ठीक है वो भी अपन एक अरेंजमेंट मानते हैं इस केस में जब कुछ नहीं होता तो अपने आप में एक अरेंजमेंट माना जाता है ठीक है तो याद रखना ये चीज को ओके सो लेट्स सॉल्व द फॉर्मूला तो मैंने दो फॉर्मूला तीन फॉर्मूला बताया अभी तक ये तीन फॉर्मूला याद कर लो फटाक से फिर मैं आपको कुछ इस फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन दिखाता हूं ठीक है सो एन पी आर का फॉर्मूला एन पी एन का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल और एन पी जीरो का फॉर्मूला वन uh, ठीक है ओके okay. और एन पी अगर वन भी आता है ना तो उसको चेक करना वो एन के इक्वल आएगा चेक कर लेना एन पी वन अगर चेक करोगे तो वो एन के इक्वल आएगा ये तुम खुद से सॉल्व करके देखो एक बार ठीक है ना ओके कह रहे लेट्स इवेल्युएट दिस फोर पी टू क्या होगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में डिफरेंस ऑफ ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल तो फोर फैक्टोरियल बाय में टू फैक्टोरियल अब फैक्टोरियल को सॉल्व करना सिखाया था कैसे करते हैं कह रहे ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल चलाओ जब तक जब तक नीचे वाला फैक्टोरियल ना दिख जाए फोर इंटू थ्री इंटू टू कह रहे हाँ टू के फैक्टोरियल इंटू थ्री ट्वेल्व हो गया अब मैं तुमको शॉर्टकट से कहा कितना है? 4 3 आया फोर इंटू थ्री आया सेवन पी थ्री अगर मैं निकालू ना देखो तुमको पता तुम क्या दिखेगा आंसर मैं डायरेक्टली बताता तुम करके देखना सेवन पी थ्री क्या दिखेगा कह रहे साथ से उल्टी गिनती चलाओ तीन नंबर तक सात एक कम आंसर है सेवन पी थ्री अगर मैं शॉर्टकट में बताना चाहूं तो क्या होगा सात से उल्टी गिनती निकालनी है नीचे नंबर है उतना ठीक तो 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 है ना तो यहाँ पर यह कट गया तो आंसर आ रहा है सात इंटू छ इंटू पांच यस तो मतलब सात से उल्टी गिनती चलाओ तीन नंबर तक आपका आंसर खुद खुद आ जाएगा तो ये कितना होगा दो सौ दस ठीक है नेक्स्ट टेन पी सिक्स तो मैं शॉर्टकट से डायरेक्ट लिखूंगा इसको टेन पी सिक्स मतलब दस से उल्टी गिनती चलानी है छ नंबर तक दस नौ आठ सात 6 पाँच कितने नंबर हो गए एक दो तीन चार पाँच छः यस कह रहे इनका मल्टीप्लीकेशन टेन पी सिक्स है तुम तो पूरा एक्सपेंड करके खुद से चेक करके देखिएगा ठीक है देखो आ रहा है क्या टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव रहा है मेरा ये किया तुमने? NP1 आ रहा है मेरा वन फाइव वन टू डबल जीरो तुमने एन पी वन एन आ रहा है एन पी वन का मतलब क्या है एन फैक्टोरियल बाय में एन में से एक कम करके फैक्टोरियल ठीक है अच्छा इस नंबर को ध्यान से देखो अगर मेरे पास में पांच फैक्टोरियल पड़ा हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूं पांच इन टू में पांच से एक कम उसका फैक्टोरियल सोचो भाई पांच इंटू चार फैक्टोरियल लिखते हो ना तो मतलब पांच फैक्टोरियल को पांच इंटू तो पांच माइनस एक कम का फैक्टोरियल लिख सकता हूं सेम तरीके हूँ एन बाहर निकाल लूं तो उसे एक कम का फैक्टोरियल लिख सकता हूं तो यहां पे ऊपर में भी एन माइनस वन फैक्टोरियल नीचे में भी एन माइनस वन फैक्टोरियल काट दिया तो एनपी वन क्या बन गया मेरा एन बन गया ठीक है एनपी वन क्या बन गया मेरा एन बन गया ठीक है लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन कह रहे एनपी फोर इज इक्वल टू बारह इंटू एन पी टू ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हाँ, इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं कई बार मतलब इतने डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं समझना कैसे इसको कह रहे अगर एन पी फोर इज इक्वल टू अगर बारह 12 टू एन पी टू है सो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा एन से एक एक कम करके टोटल चार नंबर लेने तो एन लिया उससे एक कम एन माइनस वन इससे एक कम एन माइनस वन में से एक कम करो एन माइनस वन में से एक कम किया तो एन माइनस टू बन गया तो इससे एक कम एन माइनस टू अब इससे एक कम एन टू से एक कम किया तो एन माइनस थ्री बन गया तो इससे एक कम एन माइनस थ्री टोटल कितने नंबर लेने है एन से कम करते करते चार नंबर तो एक दो तीन चार तो ये हो गया मेरा एन फोर शॉर्टकट में फिर बारह इन सेम एन टू मतलब एन और उससे एक कम नंबर कितने नंबर लेने है दो नंबर ठीक है ओके अब यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है कह रहा है ये दोनों कॉमन दिख रहा है कट गया तो यहां क्या दिख रहा है एन माइनस टू एन टू में एन माइनस थ्री इसका मतलब क्या है ये नंबर से एक कम कर दू तो ये बनता है तो क्या मैं बारह को ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि जो एक नंबर लिखू उससे एक कम कर दू तो अगला नंबर बन जाए और उनका प्रोडक्ट बारह हो जाए हाँ बारह को चार इंटू तीन लिख सकता हूं और चार से एक कम कर दू तो तीन बनता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट बारह भी है सेम पैटर्न बन गया इससे एक कप है मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यहां से मैं बोल सकता हूं एन माइनस मेरा चार है या फिर एन माइनस मेरा तीन है, yes. so answer क्या है, क्या आ रहा चेक करो सो so कितना बेटा वैल्यू देखो एन की वैल्यू यहां पर आ गई है चार प्लस दो छे और यहां पर आ गई है एन की वैल्यू तीन प्लस तीन यस yes, दोनों में सेम आना चाहिए आ रहा है टेंशन नॉट देन खत्म आगे कह रहे फाइव पी आर की वैल्यू सिक्सटी है तो वैल्यू ऑफ आर क्या होगा फाइव पी आर अगर मेरा साठ है फाइव पी आर अगर मेरा साठ है इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे फाइव फैक्टोरियल को डिवाइड करा रहा हूँ फाइव माइनस आर के फैक्टोरियल से यही कर रहा हूं ना पांच फैक्टोरियल को इन दोनों के डिफरेंस फैक्टोरियल फैक्टोरियल से डिवाइड करा रहा तो ये 60 हो गया अभी मैंने बोला याद करना है एक सौ बीस होता है याद रखना ये यहां हो गया फाइव माइनस आर का फैक्टोरियल ये साठ हो गया तो मैं यहां से इन दोनों को एक्सचेंज मार दू तो यहां से फाइव माइनस आर फैक्टोरियल कितना हो गया भाई एक सौ बीस बाई साठ बीच दो तो अगर फाइव माइनस आर फैक्टोरियल दो है तो ये दो किसका फैक्टोरियल है ये दो किसका फैक्टोरियल है सर दो का ही फैक्टोरियल है फाइव माइनस आर का फैक्टोरियल अगर ये दो है तो ये दो का फैक्टोरियल है अगर दोनों तरफ तो फैक्टोरियल सेम आ गए अब मैंने बोला ना कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखनी है एक फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल पांच फैक्टोरियल छह फैक्टोरियल सात फैक्टोरियल तक याद रखना है तो वैसे ही यहां पे दो क्या है अपने को पता है दो फैक्टोरियल है और अगर फैक्टोरियल फैक्टोरियल सामने दिख गया तो इसका मतलब फाइव माइनस आर भी दो बन गया यहाँ से माइनस आर क्या बन गया दो माइनस पांच बन गया तो माइनस आर क्या बन गया भाई माइनस ऑफ तीन बन गया माइनस माइनस हटा दिया तो आर की वैल्यू तीन आ गई आर की वैल्यू तीन आ गई आर की वैल्यू तीन आ गई सही है डन है नेक्स्ट हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स कैन बी फोन्न फ्रॉम कंप्यूटर कह रहे कंप्यूटर सी ओ एम पी यू टी ई -E आर कह रहे चार लेटर वर्ड इससे कैसे बनाए जा सकते हैं सी ओ एम पी यू टी ई आर चार लेटर का वर्ड बनाना है मतलब इनमें से अपने को चार लेटर पिक करना है ध्यान सुनना और उसको अरेंज करना है वर्ड फॉर्म करना है वर्ड फॉर्म क्या होता है अगर मैं बोलता हूँ सी ओ एम पी बना दो और पीओ एम सी बना दो तो ये तो अलग अलग वर्ड हो गए ना सर मतलब नहीं है कुछ मतलब होना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन में बट ये अलग अलग वर्ड हो गया मतलब अरेंजमेंट मैटर कर रहा है अगर अरेंजमेंट मैटर कर रहा है तो अपने पास चार जगह पे भरने के तरीके ढूंढने हैं अरेंज करने के तरीके ढूंढने आठ चीजें आठ है ना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो आठ को चार में अरेंज करने के तरीके ढूंढने हैं क्या आप एक वर्ड एक ही बार डाल सकते हैं यस यहां पर हम ये मान के चलेंगे जब तक नहीं बोला जा रहा जब तक नहीं बोला जा रहा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड रिपीटिशन ऑफ वर्ड इज नॉट अलाउड ये बाय डिफॉल्ट मानते हैं ठीक है बाय डिफॉल्ट मानते हैं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड ये बाय डिफॉल्ट मानकर चलते हैं कि रिपीट हम नहीं कर सकते हैं ठीक है ये बाय डिफॉल्ट हम मानकर चलते हैं अब आठ में से चार चीजों को अरेंज करना है आठ में से चार चीजों को अरेंज करना है ऑब्वियसली एक जगह को एक तरीके से भर सकते हैं और यहां पर एक लेटर भी एक ही बार आएगा तो अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगा सकता हूं एट पी फोर यहां पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं एट पी फोर ठीक है ना ज्यादा वाला ऊपर छोटे वाला नीचे तो क्या हो गया आंसर एट फैक्टोरियल बाय में माइनस फोर का फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल हो गया अच्छा मैं इतना काम भी ना करता डायरेक्टली बोलता एट पी फोर निकालना है तो आठ से उल्टी गिनती जब तक नीचे चार लिखा है तो चार नंबर ना आ जाए तो आठ इंटू सात इंटू छः इंटू पाँच कितना होगा जल्दी देखो कंफर्म करो मुझे जल्दी से बताओ आठ इंटू सात इंटू छः इंटू पाँच कितना होगा आठ इंटू सात इंटू इंटू पाँच सर आ गया वन सिक्स एट जीरो तो आंसर इज वन सिक्स एट जीरो आंसर इज वन सिक्स एट ज़ीरो पी एन सी के क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर क्वेश्चन पढ़ लिया समझ में आ गया क्या करना है तो आंसर निकालने में ज्यादा समय नहीं लगता है बट अगर क्वेश्चन पढ़ लिया समझ में नहीं आया क्या हो गया तो फिर क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा तो ध्यान रखना इस बात को ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर फेलियर वर्ड के लेटर एफ ए आई एल यू आर ई सो दैट वोवल्स आर ऑलवेज कमिंग टूगेदर क्या वोवल हमेशा साथ आने चाहिए वोवल वो क्या होते हैं ए आई ई ओ यू है ना ए ई आई ओ यू ए आई ई यू एक ही बात है ठीक है ये वो वल है ये वो वल है ये वो वल है तो कितना वो वन है चार तो ए आई यू ई ये चार वो वाल है इसके अलावा एफ एल और आर पड़ा है कह रहे ये एक साथ आने चाहिए ये एक साथ आने चाहिए ठीक है इसको करने का एक तरीका होता है इसी तरीके से अपन हमेशा सॉल्व करेंगे याद रखना क्यों होता है कैसे होता है इतना डिटेल में नहीं जाना कुछ तरीके हैं ये मान लेते हैं समझ आ जाएगा ठीक है बहुत डिटेल्स होती है ना दिमाग खराब हो जाएगा अभी हमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है तो तरीका समझते हैं अभी ठीक है बचपन में भी पहले टीचर ने ही समझाया था ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला पी एन टू आर इन टी बाई होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मला पी इन टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पार्टी होता है बोलते बाद में समझाएंगे वही चीज़ है पहले समझो ये होता है फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे करना है अभी इतना ही सीखना है यहाँ पर बहुत इन टेप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम चीज को रिपीट करना सीखना है अपने को बहुत इन टेप जाना की जरूरत नहीं है ठीक है ओके समझो लगेगा कैसे वो बताऊंगा अगर ए आई यू ई ये पड़ा हुआ है इसको एक साथ इकट्ठा कर दिया और एफ एल और आर इसको अलग रख दिया ठीक है इकट्ठा रखना है ये बोल रहा है क्वेश्चन में ना सो दैट आर ऑलवेज कमिंग नावल्सर एक साथ कर दिया ठीक है अब क्या बोलते हैं अपन मान लेते हैं एक यूनिट ये है और बाकी जो लेटर है ना वो अलग अलग यूनिट है तो मतलब ये सेकंड यूनिट ये थर्ड यूनिट और ये फोर्थ यूनिट तो कितनी यूनिट होगी चार यूनिट अब चार चीजों को हम बोलते हैं चार जगह पे अरेंज कर देंगे अंदर में ये और देखेंगे चार चीजों को चार जगह में अरेंज करने के कितने तरीके तो फोर फोर चीजों को जगह पे अरेंज करने के फोर पी फोर तरीके अभी मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था कि अगर ऊपर एन हो नीचे एन हो तो एन पी एन का आंसर होता है लिखा था ठीक है आंसर खत्म नहीं हुआ इन, इनको अरेंज तो कर दिया अब इंटरनली भी एक जगह पर ए आई यू पड़ा हुआ है भाई ये सारे एक साथ होने चाहिए ये सारे एक साथ होने चाहिए बट अंदर में अरेंजमेंट तो हो सकता है

कि चार यूनिट को चार प्लेस में अरेंज किया है लिख लो लिखो ठीक है और इंटरनली हमने यहां पर फोर वोवल्स को अरेंज किया है ना भाई इसकी वजह से फोर पी फोर की चार चीजों को चार जगह पर अरेंज कर दिया और इसकी वजह से इंटरनली चार जगह चीजों को चार जगह पर अरेंज करने का तो फोर पी फोर तो फोर पी फोर इंटू फोर पी फोर फेक्टोरियल इंटू फोर फेक्टोलट इज फाइव सेवेंटी सिक्स ठीक है नेक्स्ट टेन एग्जामिनेशन पेपर आर इन सच वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टूगेदर कह रहे सबसे बढ़िया और सबसे खराब एक साथ नहीं आना चाहिए पहले था टूगेदर अब था नॉट टूगेदर ठीक है नेवर कम टूगेदर याद रखना नॉट टूगेदर को सॉल्व करने के लिए हम बोलते हैं जनरल विदाउट एनी कंडीशन जनरल विदाउट एनी कंडीशन में से आप क्या करिए माइनस कर दीजिए टुगेदर वाली कंडीशन आपका आंसर आ जाएगा ठीक है जनरल विदाउट कंडीशन में से माइनस कर दीजिए टुगेदर वाली कंडीशन जनरल विदाउट कंडीशन में से माइनस कर दीजिए टुगेदर वाली कंडीशन ठीक है ओके अब दस एग्जामिनेशन पेपर है ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस ठीक है बेस्ट और वर्स्ट साथ नहीं आने चाहिए मान लो ये बेस्ट है ये वर्स्ट है कह रहे साथ नहीं आने चाहिए साथ नहीं आने चाहिए ठीक है हमने बोला एक काम करते हैं विदाउट एनी कंडीशन निकालते हैं तो विदाउट एनी कंडीशन दस पेपर को दस जगह पे अरेंज कर देंगे जो तो दस पेपर है दस जगह पे अरेंज करना टेन बी टेन तरीका है ना भाई दस पेपर है आपस में शफल कर दिया तो मतलब दस के दस को अरेंज कर दिया दस चीजों को दस जगह में अरेंज करने का दस टेन बी टेन जब बीच में देखो क्या होता है अगर मेरे पास में एन चीजें हैं मेरे को उनको अरेंज करना है तो मतलब सिलेक्शन हुआ ही नहीं सिलेक्शन ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली एन का हो गया तो मतलब एन को एन में सिलेक्ट करके अरेंज करना अगेन वही हो गया कि भैया सारो का अरेंजमेंट सारो का अरे एन पी एन तो यहाँ पे एन की वैल्यू टेन है तो इज हमारा दस चीजों का अरेंजमेंट अब माइनस करेंगे टुगेदर वाला कंडीशन अब हमने माइनस करना टुगेदर वाला कंडीशन मतलब बेस्ट और बेस्ट को एक साथ कर दिया तो एक यूनिट ये बन गई दूसरी यूनिट ये, ये आ गई

आंसर तो आ गया यहां पर टेन माइनस टू एट और इसके साथ में नाइन फैक्टोरियल पड़ा हुआ तो आंसर इस एट इंटू नाइन फैक्टोरियल आंसर इस एट इंटू नाइन फैक्टोरियल तो नॉट टुगेदर में क्या करना है हमारा सबसे पहले देखेंगे जनरल कंडीशन उसमें से टुगेदर वाला माइनस कर देंगे इट ठीक है बस ये ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजें लिख लो अपने सेल नोट्स में अपने ना सेल नोट्स में लिख लो नोट टुगेदर में ये करते हैं टुगेदर में क्या करते हैं हम यूनिट बना देते हैं टुगेदर वालों की एक यूनिट बना देते हैं फिर उसके अंदर में इंटरनल अरेंजमेंट कर देते हैं ठीक है टुगेदर में क्या करते हैं जिनको टुगेदर रखना है जिनको टुगेदर वो एक यूनिट और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप पे इंटरनली अरेंजमेंट बस इसको देखना है ठीक है अगर ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा तुम देखो पीरो बच्चा पार्टी बन जाओगे ठीक है नेक्स्ट इन हाउ मेनी वेज एट स्टूडेंट्स फाइव बॉयज एंड थ्री गर्ल्स बॉयज कितने हैं फाइव गर्ल्स कितनी है थ्री टोटल कितना हो गया आठ हो गया ठीक है स्कूल कैन सिलेक्ट स्कूल प्रीफेक्ट क्या सिलेक्ट करना है इनमें से स्कूल प्रीफेक्ट प्रीफेक्ट ध्यान से देखो क्या बोल रहा है अच्छा हेड बॉय हेड बॉय अच्छा और हेड गर्ल हेड गर्ल ये तीनों सिलेक्ट करना है है ना स्कूल को तीनों सिलेक्ट करना है ठीक है इफ नो मेंबर कैन होल्ड टू पोजिशन मतलब जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता ऑब्वियसली लड़का और लड़की तो अलग अलग होंगे ही बट प्रीफेक्ट तो लड़का और लड़की दोनों आ सकते हैं है ना इफ नो मेंबर कैन होल्ड टू पोजिशन एंड ईच बॉय एंड गर्ल इज एलिजिबल फॉर प्रीफेक्ट तो यहां पर तो दोनों में से कोई भी आ सकता है है ना ठीक है सो लेट्स डू इट तो हम कंडीशन लेते हैं देखो कंडीशन ले लिया कंडीशन वाला बनाएंगे इस पर ठीक है स्कूल परफेक्ट पे लड़का आ गया या लड़की आ गई अगर स्कूल परफेक्ट पे लड़का आ गया अगर स्कूल इज इज बॉय बॉय स्कूल स्कूल मतलब ठीक है और स्कूल परफेक्ट इज गर्ल एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है है ना देखते जाओ अगर स्कूल परफेक्ट बॉय है तो यहां भी बॉय आएगा यहां भी बॉय आएगा तो बॉय को दो जगह मिल रही है है ना अगर स्कूल परिफेक्ट बॉय है तो बॉय को दो जगह मिल रही है टोटल कितने बॉयज हैं पांच पांच में से दो जगह पे बॉयज को अरेंज करने के फाइव पी टू तरीके तो अरेंजमेंट है ना भाई एक जगह ये है ये है अगर बॉय यहां मान लो एक बॉय निकला हिमांशु एक का नाम निकला सुधांशु हिमांशु यहां सुधांशु यहां एक यहा, अलग यह अरेंजमेंट है और हिमांशु यहां सुधांशु यहाँ ये यह अलग अरेंजमेंट है तो अपना अरेंजमेंट अगर अलग अलग है तो अपना क्या करेंगे परमोटेशन तो यहां पर पांच जगह पे दो को अरेंज करने का फाइव पी टू तरीका अब हेड हेड ठीक है है एक लड़की चूज करनी है, कितनों में से तीन में से तो तीन जगह पर एक को अरेंज करने का कितना तरीका थ्री पी वन तरीका यह भी करने ये भी करने दोनों करने हैं तो मल्टीप्लाई एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है ये भी कर रहे हैं तो इसके लिए तो यह आएगा एंड ये भी करना है तो एंड के लिए मल्टीप्लाई याद रखना अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग साथ में यूज करा जा रहा है ठीक है सो फाइव पी टू इज फाइव इन फोर है ना पांच से उल्टी गिनती शुरू करेंगे दो नंबर पांच और चार दो नंबर आ गए थ्री पी वन इज मैंने बोला था ना एन पी वन कितना होता है एन होता है तो अगेन थ्री पी वन है तो ऊपर वाला नंबर सीधा लिख दिया तो कितना हो गया एक सौ बीस है ना बीस इंटू छ साठ हो गया साठ तरीके से मैं स्कूल प्रीफेक्ट अगर बॉय होगा तो मैं ये तीनों का अरेंजमेंट कर सकता हूं ठीक है नेक्स्ट अगर स्कूल प्रीफेक्ट गर्ल हुई तो स्कूल प्रीफेक्ट अगर गर्ल हुई तो इसमें क्या हो जाएगा यहां पर कंडीशन चेंज हो जाएंगी कंडीशन क्या हो जाएगी ये तो बॉय रहेगा बट ये दोनों गर्ल बन जाएंगे तो अब मुझे इन दो जगह पे अरेंज करना है गर्ल को तो तीन जगह पे गर्ल को अरेंज करने के और तीन गर्ल में से दो जगह पे अरेंज करने के कितने तरीके हो गए तीन गर्ल है बड़ा नंबर तीन है दो जगह पे अरेंज करना है यहां ओ सॉरी <laughs> सॉरी मेरे भाई हेड बॉय गर्ल नहीं होगी ना स्कूल गर्ड हो गया स्कूल प्रिफेक्ट गर्ड ठीक है एक सीट ठीक है क्या गर्ल है स्कूल प्रीफेक्ट गर्ड है तो ये गर्ल है ये तो बॉय रहेगा और ये गर्ल है तो अगेन एक यहां गई, एक गर्ल 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 गई गई तीन क्या थी यहां, यहां। या गर्ल टू यहां गर्ल वन यहां अरेंजमेंट मैटर कर रही है ठीक है तो तीन में से दो जगह पर अगर मुझे गर्ल को अरेंज करना है तो थ्री बड़ा नंबर टू छोटा नंबर थ्री पी टू तरीके से मल्टीप्लाई पांच में से एक बॉय को हेड बॉय बनाना है कितने तरीके से कह रहे हैं फाइव में से एक को सिलेक्ट करके अरेंज कर देंगे फाइव पी वन तरीके से ठीक है ये भी करना है एंड ये भी करना है इन दोनों को भी करना है एंड इसको भी करना है तो मल्टीप्लाई थ्री पी टू मतलब तीन इंटू दो तीन से एक ही कम करके दो नंबर लेना है तीन लिया फिर उसके बाद दो लिया फाइव पी वन फाइव हो जाएगा तो कितना हो गया तीन इंटू दस तीस हो गया अब सोचो क्या स्कूल प्रीफेक्ट बॉय एंड गर्ल दोनों हो सकता है नहीं सर एक ही होगा बोला ना इसने स्कूल परिफेक्ट बॉय और गर्ल होगा ठीक है दोनों एलिजिबल हैं बट पोजीशन तो एक ही होल्ड करेगा ना तो या तो ये होगा या तो ये होगा और का मतलब प्लस हो गया तो आंसर क्या हो गया साठ होगा या फिर इनतीस में से एक चूज किया जाएगा तो या आ गया तो प्लस होगा तो टोटल वेस कितने हो गया नाइनटी वे टोटल वेज कितने हो गया नाइनटी वे अगर स्कूल प्रिफेक्ट बॉय हुआ तो ये दोनों पोजीशन बॉय को जाएंगे तो पांच में से दो को अरेंज कर सकते हैं एंड साथ में गर्ल को हमें हेड गर्ल बनाना है तो तीन में से एक लड़की यहाँ पे हेड गर्ल बनेगी थ्री पी वन तरीके से वो हो गया ये भी करना है एंड ये भी तो टोटल आगे एक ए, आ, टोटल अरेंजमेंट अरेंजमेंट आ आ गए गए ठीक है अगर स्कूल गर्ल हुई तो ये और ये पोजिशन दोनों लड़कियों को जाएंगी तो तीन में से दो जगह पर अरेंज लड़कियां कर दी थ्री पी टू तरीके से ये एक पोजीशन बची बॉय के लिए पांच में से एक जगह पर बॉय को अरेंज कर दिया फाइव पी वन तरीके से दिस इज फाइव दिस इज थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स इंटू फाइव थर्टी

नहीं बना सकता चेंज नहीं होगा इंटरनली एक ही अरेंजमेंट है ये बोल रहा है ठीक है इसके अलावा टी आर और आई ये अलग अलग हो सकता है मतलब मतलब ये एंगल एज इट मतलब इज टुगेदर तो रहेंगे रहेंगे एक ही अरेंजमेंट रहेगा तो मतलब क्या हो गया ये एक यूनिट हो गया मान लो दूसरी ये थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो चार यूनिट को चार जगह पे अरेंज करने के फोर पी फोर इंटरनली एंगल एज इट इज रहना चाहिए तो इंटरनली चेंज ही नहीं किया तो ये एक ही तरीका तो और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया एक बार तो आंसर कितना इसका ट्वेंटी फोर फेज ठीक है नेक्स्ट सर्कुलर पर देखो अभी तक अब जो बात कर रहे हैं ना हम मान के चलते हमने लाइन में बिठाया है हमने लाइन में बिठाया जैसे लंगर खा रहा है इंसान बट खाना खाने का लाइन में तरीका थोड़ा होता है कह रहे हैं हम सर्कुलर पार्टी भी कर सकते हैं अच्छा जब लाइन में बिठा रहे हैं ना तो अपने को पता है यार लेफ्ट पोजीशन एक है राइट पोजीशन एक है ये मेरी फर्स्ट मान लीजिए अगर लेफ्ट से शुरू कर रहा करो ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स अब यहाँ पे ना जब सर्कल में बिठाते हैं ना वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है वहाँ पे कोई पोजिशन नहीं होती है यहाँ पर मार्किंग नहीं है वन ये टू ए थ्री ऐसे नहीं होता ऐसे होता नहीं है हम ये मान के चलते ऐसी पोजिशनिंग कुछ होती नहीं सही सारी की सारी चेयर एक बराबर है तो पोजिशनिंग शुरू करने के लिए हम बोलते हैं पहला इंसान ना आप किसी पर भी बिठा दो उसका एक ही तरीका है तो अगर पहला इंसान किसी पर भी बिठा भी 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 दो वो एक एक ही तरीका है मान लो अगर आपके पास तो में में लोग हैं तो से इंसान को बिठाने का एक ही तरीका है तो एक को हटाना पड़ेगा बाकी बचे नो तो इस इंसान को बिठाने का एक ही तरीका है एंड जैसे ही वो बैठ गया तो इसके लेफ्ट में एक पोजिशन दो पोजिशन तीन पोजिशन चार पोजिशन पांच पोजिशन छह पोजिशन सात पोजिशन आठ पोजिशन नौ पोजिशन बन जाएंगे ठीक है तो बाकी नो पोजीशन पर हम अरेंजमेंट कर सकते हैं बाकी नो पोजीशन पर नाइन पी नाइन वे से अरेंजमेंट हो सकता है तो आंसर हो जाएगा इसका नाइन फैक्टोरियल इसका मतलब ये बोलते हैं कि अगर मुझे एन चीजों को एन थिंग्स को लिखो मेरे साथ एन प्लेस पर सर्कुलर अरेंजमेंट में करना है सर्कुलर अरेंजमेंट में करना है ठीक है तो उसका आंसर उसका आंसर होता है जितनी चीजें है ना उसमें से एक कम कर दो दस चीजें थी उसमें से एक कम कर दो तो एन चीजें हैं तो उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल यही चीज अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट में करता ना अगर मैं यही चीज लीनियर अरेंजमेंट में करता ना अगर मैं यही चीज लीनियर अरेंजमेंट में करता ना तो उसका आंसर होता मतलब एन चीजों को अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट में करता तो उसका आंसर एनपीएन दैट इज एन फैक्टोरियल होता बट अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में करते हैं ना तो उसमें से जितनी चीजें हैं ना उसमें से एक कम कर दो फैक्टोरियल मतलब क्यों होता है ये क्योंकि पहले इंसान को बिठाने का एक तरीका फिर उसके बाद में पोजिशनिंग आती है उससे पहले हम बोलते हैं पोजिशनिंग है ही नहीं ठीक है तो सर्कुलर प्रोमोटेशन में क्या होता है पहले इंसान को बिठाने का एक तरीका बाकी की फिर पोजिशनिंग उसके राउंड में आती है सो तो एक का एक तरीका हो गया कि बाकी कितनी बची यहां पर एन माइनस वन चीजें बची तो एन माइनस वन को अरेंज करने का एन माइनस वन पी एन माइनस वन दैट इज एन माइनस वन फैक्टोरियल वेज ही हो जाएगा ठीक है समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ वेज इन विच सिक्स बॉयज फॉर्मर रिंग तो एक बॉय पहला खड़ा कर दिया तो कह रहा है ये तो एक ही तरीका हो गया अब उसके बाद में अगला बॉय यहाँ आएगा ठीक है अगला बॉय यहाँ आएगा अगला बॉय यहाँ आएगा अगला यहाँ आएगा अगला यहाँ आएगा सिक्स वेज हो गए ना कितने तरीके हो गए ये हो गए ना ये तो पहला बॉय जो रिंग बनाने लगा कह रहा है उसका एक ही तरीका भाई उसी से शुरू करना है अब उसके बाद में पोजिशनिंग आ गई कि भाई ये मेरे लेफ्ट में वन आया लेफ्ट टू आया लेफ्ट थ्री आया लेफ्ट फोर आया है ना लेफ्ट नहीं राइट हो गया ठीक है कोई बात नहीं जो भी है लेफ्ट फाइव आया येस तो इसके बाद में पांच पोजीशन आ रही तो पहले बंदे का एक तरीका बाकियों के लिए पांच जगह है पांच जगह पर पांच जगह को अरेंज करने का देता तो इतने वे सकता हूं और मैंने आपको बताया एक सौ बीस होता है अभी आपको मैंने बताया बीस होता है ठीक है डन है okay, थ्री लेडीज एंड थ्री जेंट्स कैन बी अ राउंड टेबल सो दैट एनी टू लेडीजेदर ध्यान सुनना तीन जेंट्स हैं तीन लेडीज हैं हमारे पास में सर्कुलरली अरेंज करना है इनको यहां पर देखो पहले डायग्राम बनाया डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ठीक है अब कंडीशन क्या बोल रहा है तीन लेडीज हैं लेडी वन लेडी टू लेडी थ्री तीन जेंट्स हैं जेंट्स वन जेंट्स टू जेंट्स थ्री इस प्रकार से है लेडी बोल रही है दैट एनी टू एंड ओनली टू लेडीज कैन सीट टूगेदर मतलब लेडीज पे कंडीशन है याद रखना जिस पर कंडीशन होगी ना उससे शुरू करेंगे क्या याद रखने के लिए बोला जिस पर कंडीशन है उससे शुरू करो उसको पहले निपटा दो उससे शुरू करो लिखो इस बात को ठीक है उससे शुरू करो थ्री लेडीज एंड थ्री जेंट्स कैन बी सीड एट अ राउंड टेबल सो दैट एनी टू एंड ओनली टू लेडीज सिट टूगेदर अपने को क्या बोला गया यहां पर पहले कंडीशन लेडीज ने लगाई है क्या लेडीज लगाती है सर कंडीशन तो ठीक है बात सही है लेडीज बोल रही है कि इन तीनों में से दो लेडीज साथ बैठनी चाहिए तो तीन में से दो को पहले पहले साथ बिठा देते हैं उनको क्लियर कर दो फिर उसके बाद बिठाना शुरू करेंगे तो तीन लोग लेडीज में से मुझे दो को साथ बिठाना है मान लो यहां दो जगह होती तो दो को साथ बिठाना है ठीक है तो तीन थ्री टू थ्री पी टू से मैं इसको भर सकता हूं तीन ये है दो जगह है तो बड़े को ऊपर रखा छोटे को नीचे रखा तो कितने तरीके से हो गया तीन इन टू दो तरीके तीन से एक एक कम करके दो नंबर लिखेंगे उल्टी गिनती में है ना तीन फिर दो तीन इंटू दो हो गया। अब हमें जिस पे कंडीशन लगेगी उसको पहले बिठा दो तो ये तीन में से किसी दो को जो सिलेक्ट किया उसको मैंने बिठा दिया सबसे पहले अब अपने पास में इन तीन में से दो को निकालने का इंटरनली अरेंज करने का छह तरीका है इन तीन में से दो को निकालकर इंटरनली अरेंज करने का छह तरीका है अब यहां एक्सटर्नली में बिठाना है तो एक ही तरीके से तो छह तरीके से इंटरनली अरेंजमेंट कर दिया एक तरीके से इसमें बिठा दिया ठीक है मान लो ये और ये चले गए अब मेरे पास क्या बची मेरे पास में एक लेडी बची और तीन जेंट्स बचे मैंने बोला लेडी चल रही है लेडी को पहले बिठा देते हैं ठीक है अब बोले तीसरी लेडी साथ नहीं बैठनी चाहिए तीसरी लेडी साथ नहीं बैठनी चाहिए तो मतलब तीसरी लेडी यहां आने आ सकती ये दो लेडी बैठ गई तीसरी लेडी यहां आने आ सकती तो तीसरी लेडी के पास में ये दो जगह बची है दो जगह में एक लेडी को अरेंज करने का टू पी वन तरीका ठीक है एंड अब मान लो तीसरी लेडी यहां पे बैठ गई है तो अब जेंट्स को बिठाने की बारी है एक दो तीन तीन जेंट्स हैं सब अरेंज हो चुका है ठीक है तीन जेंट्स है तीन जेंट्स को तीन जगह पे अरेंज करने का थ्री पी थ्री तरीका भाई अरेंजमेंट हो चुके ना पहला इंसान जो सर्कल में बैठेगा उसके बाद में एकदम लीनियर की तरह पहला अपन ने अब बिठा दिया पहला पेयर बिठा दिया उसको एक तरीका बट इंटरनली वो थ्री पी टू तरीके से अरेंज हो चुकी थी ये इंटरनल अरेंजमेंट की वजह से है। ठीक है ये इंटरनल की वजह से और ये सर्कल की अरेंजमेंट है ये सर्कल की अरेंजमेंट है समझ में ठीक है एक ये दो लड़कियों को बिठाने का तरीका फिर ये टू पी वन जो तीसरी ही बची उनको यहां यहां नहीं बिठा सकता तो दो ही जगह तो दो में से एक जगह पे उसको बिठाने का टू पी वन तरीका अब बाकी जो तीन जगह पे बची वहां पर तीन मैन को अरेंज करने का थ्री पी थ्री वन टू थ्री पी थ्री 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 फैक्टोरियल कितना होता है तो कितना अरेंजमेंट होगा वेज है ना सेवेंटी टू से मैं बिठा सकता हूँ अरेंजमेंट कर सकता हूँ अच्छा क्वेश्चन है नाइस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एक बार ठीक है ओके नेक्स्ट हम मान के चलेंगे हमेशा सर्कुलर में अरेन्जमेंट है तो सेंटर की तरफ देख रहा है सेंटर में लेफ्ट और राइट right याद है ये सर लेफ्ट ये होता है राइट right ये होता है ठीक है अब

बाकी तीन कह रहे कोई कहीं बिठा दो एक दो तीन बाकी तीन के लिए तीन पोजीशन तीन पोजीशन में तीन जगह पे भरने का तीन थ्री पी थ्री तरीका तो आंसर हो गया वन इंटू वन इंटू थ्री पी थ्री थ्री फैक्टोरियल थ्री पी थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ सिक्स फैक्ट सिक्स थ्री फैक्टोरियल हो गया क्या लिख सकता हूँ मैं सिक्स तो आंसर कितना हो गया मेरा वन इंटू सिक्स दैट इज सिक्स आंसर होगा तो कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है सिक्स तरीके से दोबारा बोलता हूँ शॉर्टेस्ट के राइट right में टॉलेस्ट को बिठाना है तो हमने बोला पहले शॉर्टेस्ट को बिठा दो पहला इंसान एक तरीके से उसके राइट right में टॉलेस्ट को बिठाना है। तो के लिए एक ही बची तो इसका एक एक जगह पर तीन लोगों को बिठाना है तो कितना तरीका हो गया थ्री पी थ्री आंसर इज वन इंटू वन इंटू सिक्स आंसर कितना ठीक है to do not want to sit together. ये बोल रहा है मैंने क्या बोला था जब भी not together आएगा जब भी not together आएगा तो general condition में से minus करना है together को जब, जब भी not together आएगा जब भी not together आएगा इसका मतलब क्या होगा नॉट टूगेदर है ना डू नॉट वॉन्ट टू सिट टूगेदर मतलब नॉट टूगेदर तो अपने वो जनरल कंडीशन में से माइनस करना है किसको टुगेदर को अब वापस से करते हैं ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस लोगों को अरेंज करना है जनरल कंडीशन दस लोगों को अरेंज करने की दस जगह पर कितना तरीका होता है टेन माइनस वन फैक्टोरियल है ना ये बताया ना तुम लोगों ने जितने लोग हैं उसमें से एक कम कर दो उतना फैक्टोरियल ये जनरल होगा इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा दो साथ बिठाने पड़ेंगे तो दो साथ बिठा दिए पहले है ना दो साथ बिठा दिए जो बैठना चाहते हैं ये बॉय और बॉय दो बिठा दिए तो पहले इनको बिठाना है उससे पहले मैं बोला इंटरनली अरेंज कर लेते हैं इंटरनली दो जगह पर दो को अरेंज करने का टू पी टू वेस और उसके बाद में एक्सटर्नली सर्कल में घुसाने का एक ही तरीका है है ना एक ही तरीका पहला इंसान एक तरीके से बैठेगा ठीक है बाकी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ जगह पे आठ लोगों को अरेंज करने का एट भी एट तरीका ठीक है टेन माइनस वन फैक्टोरियल नाइन फैक्टोरियल दो को इंटरनल अरेंजमेंट है ये क्या है इंटरनली बिठाया अपन ने और ये मेरी सर्कल की अरेंजमेंट है सर्कल में पहले मैंने क्या बोला जिस पे कंडीशन है उसको बिठा दो तो सबसे पहले सर्कल पे उसी को बिठा दिया एक तरीके से बैठ सकता है अब बाकी में फिर अपना आठ जगह पर आठ को रेज कर दिया एक बैठ गया एक चीज कुछ भी बैठ गई चाहे चाहे पेयर बैठे सिंगल इंसान बैठे चाहे चार इंसान बैठे जैसे वो बैठ गया उसके बाद में वो लीनियर की तरह चलेगा ठीक है तो नाइन फैक्टोरियल माइनस का टू टू पी टू इज टू फैक्टोरियल वन इन एट फैक्टोरियल तो एट फैक्टोरियल लिख दो यहाँ पे ठीक है ओके अच्छा नाइन फैक्टोरियल को नाइन फैक्टोरियल को मैं एट फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो नाइन इंटू एट फैक्टोरियल लिख सकता हूँ नाइन बाहर निकाला उससे अगले का फैक्टोरियल हो गया टू टू फैक्टोरियल को टू लिख सकता हूँ तो क्या बचा नाइन माइनस टू तो ये कितना होगा सेवन आंसर आ गया फैक्टोरियल तो ये सेम काम अपन ने लीनियर अरेंजमेंट में किया था आंसर क्या था नाइन इंटू सॉरी एट इंटू नाइन फैक्टोरियल सेम का सर्कुलर में किया तो कितना है एट सेवन इंटू एट फैक्टोरियल लीनियर में इसका आंसर क्या आया था नाइन एट इन नाइन फैक्टोरियल सर्कुलर में ये भी एक कम हो गया और ये भी एक कम हो गया रट्टा मत मारना बट समझा रहा हूं ठीक है यस सर्कुलर विद रिंग कंडीशन रिंग कंडीशन क्या होती है रिंग कंडीशन में क्या होता है लेफ्ट और राइट कुछ नहीं होता एक समान होता है लेफ्ट और राइट एक समान मतलब दो टाइप की अरेंजमेंट एक जैसी हो गई क्लॉकवाइज जाना एंड एंटी क्लॉकवाइज जाना क्लॉकवाइज जाना एंड एंटी क्लॉकवाइज जाना एक समान हो गया कोई रिंग देखना कभी कुछ सॉरी नेकलेस देखा नेकलेस केस बोलते हैं इसको ठीक है यह बोला नेकलेस केस मेरे पास कुछ नेकलेस दिख नहीं रहा वाइफ का लेकर आऊंगा मार खा लूंगा ठीक है समझ लो नेकलेस केस में क्या होता है पर्ल वाला का भी नेकलेस देखा है पर्ल वाला का भी नेकलेस देखा है तो उसमें क्या होता है जैसे यहां पर बना रखी है लेफ्ट से देखो राइट right से देखो बात बराबर सीधा देखो उल्टा देखो बात बराबर और वैसे केस में हम बोलते हैं तुम्हारे सर्कुलर केस में अगर मान लो एन चीजें हैं तो चीजों को सर्कुलर में रेंज करने का फैक्टोरियल क्योंकि इधर इधर से से जाना से जाना दो चीजें एक समान है तो मतलब आधा कर दो तो यहां पर हमारा होता है ये रिंग अरेंजमेंट रिंग या इसको मैं नेकलेस जहां पर और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं अरेंजमेंट ठीक है, ओके? तो जैसे यहां बोल है color, तो सारी आइडेंटिकल चीजें तो मतलब लेफ्ट अरेंज करूँ राइट अरेंज करूँ बात बराबर है टोटल नंबर वन फैक्टोरियल ये कितना होता है बाय टू दैट इज टू फाइव टू जीरो चलो नेक्स्ट फिफ्टी डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट इन अ नेकलेस ठीक है टू फॉर्म अ नेकलेस नंबर ऑफ वेज इस अगर अलग अलग पचास ज्वेलरी आइटम्स है तो जैसी ज्वेलरी बनाओगे तो हमेशा ज्वेलरी आइडेंटिकल बनती है लेफ्ट और राइट में कभी देखिए आइडेंटिकल होती है ना ताकि तुम उसको पहनो तो कोई दिक्कत नहीं तो लेफ्ट एंटी क्लॉक वाइज आए या क्लॉक वाइज जाए बात बराबर है एंटी क्लॉक वाइज जाए तो क्लॉक वाइज जाए बात बराबर है तो क्या करेंगे सर्कुलर के लिए आधा फैक्टोरियल वन फाइव फिफ्टी में से वन माइनस कर दिया फैक्टोरियल डिवाइड करा दिया इसको अपन ने टू से टू से डिवाइड करने का मतलब क्या इसके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम है तो आंसर कितना होगा फोर्टी नाइन फैक्टोरियल बाय टू अब देखो मैंने बोला था ना आपको फोर्टी नाइन फैक्टोरियल को कई बार ये ऐसा भी लिखेगा बात बराबर है दोनों साइन सेम है आंसर कितना आएगा अपना ऐसा ठीक है फैक्टोरियल की इसकी जगह ये साइन भी यूज कर सकता है ठीक है अब पम्बुटेशन विद रिस्ट्रिक्शन पम्बुटेशन विद रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप बोले मैं नहीं करना चाहता है ना जैसे ये इंसान याद है तुमको ये इंसान याद है ठीक है इस इंसान को बोला कि भैया कपड़े धोने हैं तो ये बोला मुझे नहीं आता मैं नहीं कर सकता मुझे नहीं आता मैं नहीं कर सकता ठीक है तो हमने बोला चल छोड़ देते इस बार मूवी में बहुत अत्याचार हुआ इसके साथ में यहाँ छोड़ देते हैं छोड़ देते। याद है मूवी है चुप चुप के तो मान लो तुम्हारे पास में एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा ही हुआ होता पाँच तुम थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस लड़कियाँ हैं पाँच ग्लासेज हैं ठीक है पाँच ग्लासेज ऑफ कोका कोला कैन बी सर्व टू टेन पीपल टेन लड़कियाँ हैं ठीक है इफ़ वन सेज दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ ठीक है दस लड़कियाँ हैं एक बोली मुझे नहीं पीना मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ कोका कोला में बहुत शुगर होता है मैं नहीं पी सकती हूँ ठीक है तो हम बोला तो निकल यहाँ से तो कितने तरीके कितनी वो लड़कियाँ बची नाइन कह रहे अब इन नाइन में से किन ही पाँच को कोल्ड ड्रिंक दे दो शेयर नहीं कर सकते हैं चीटिंग हो जाएगी तो बड़े में ऊपर छोटा नीचे तो अपन ने क्या किया दस में से एक कम किया जिसने बोला मना किया उसको हटा दिया तो अपन ने क्या किया बाकी नाइन का फैक्टोरियल ले लिया और नाइन पी नाइन का अरेंजमेंट कर दिया पाँच के साथ मतलब पाँच कोल्ड ड्रिंक को, को नाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बड़ा ऊपर आएगा छोटा नीचे आएगा नाइन पी फाइव इस नाइन से उल्टी गिनती शुरू करी पाँच नंबर की नाइन एट सेवन सिक्स फाइव कितना हो गया पाँच नंबर हो गया एक दो तीन चार पाँच तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव सो आंसर आ गया ठीक है देख लो दोबारा नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शन जैसे इसके साथ अगेगा कह रहे अब चल ठीक है कपड़े धोने में मना कर दिया अब बोला कि जूते पॉलिश करने का काम है कह रहे अगर मैं जूते पॉलिश नहीं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी तो बोला मुझे आता है मुझे आता है अगर उसको आता है तो हम बोलते तू ले ले <laughs> तू ले ही ले काम इस बार इस बार तेसा साथ जाती नहीं करेंगे इस, इस बार जैसा जाते थी तू काम ही ले ले वहाँ मूवी में भी इसका देखे कह रहे तूने काम ले लेना चाहिए ठीक है ओके एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया यहाँ पर कह रहे थे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिक्स डिफरेंट थिंग्स टेकन थ्री एट ए टाइम इन विच वन थिंग पर्टिकुलरली ऑलवेज अ तुम्हारे पास छः चीज़ें थी तुमको तीन लेनी है

बाकी एक जगह चली गई एक तो जगह लेकर चला गया बाकी एक दो तीन चार पाँच ठीक है बाकी हमारे पास छः में से एक जगह चली गई बचा कितना पाँच तो पाँच फाइव पी टू है ना बाकी दो जगह इन पाँच में से अरेंज कर दैट कैन बी डन इन फाइव पी टू ये भी करना है एंड ये भी करना है तो बीच में मल्टीप्लाई थ्री पी टू वन इज थ्री फाइव पी टू इज पाँच एंड पाँच एक कम चार तो इनका मल्टीप्लीकेशन तो आंसर कितना होगा तीन इन टू पाँच इन चार हो गया ठ आंसर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोनों कंडीशन का देखो दोनों कंडीशन का फॉर्मूला कह रहे अगर आपके पास एन चीजें हैं आपको आर चीजों को अरेंज करना है एक चीज मना कर रही है मैं नहीं आऊंगी तो कह रहा है उसको माइनस कर दे और बाकी का अरेंज कर दे दैट इज एन माइनस वन पी आर तरीका और दूसरी कंट्रास्ट में आपके पास में एन चीजें हैं आर चीजें बोल रही है कि मुझे आर जगह पे अरेंज करना है एन थिंग्स को

हमने बोला इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से हमने बोला हमारे पास में कितनी थी छह चीजें थी तीन जगह थी तो इन तीन जगह पर अगर मुझे छह चीजों को अरेंज करना है तो पहले जो चाह रही है आना तो तो उसको ले लो तो इस चीज को लाना है इन तीन जगह पर तो कितने तरीके से कर सकता हूं थ्री पी वन तरीके है ना भाई तीन जगह एक चीज तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे थ्री पी वन तरीके से तो हमने ले लिया जैसे ले लिया ये जगह भी चली गई और हमारी सामान भी चला गया अब बाकी क्या बचा एक दो तीन चार पांच पांच चीजों को दो जगह पर अरेंज करने की फाइव पी टू तरीके यही हमने किया है ना तो अगर हमने बोला यहां पर फॉर्मूला देखो क्या हो गया सिक्स चीजें थी तीन का अरेंजमेंट करना था पहले एक बोल रही है मुझे आना ही आना है आना ही आना है। तो कह रहे इस तीन में से एक को अरेंज कर दिया यस एंड मल्टीप्लाई कह रहे छाइव और तीन में से एक कम किया टू इनका अरेंजमेंट ठीक है यही हो गया ना फॉर्मूला देखो अगर सिक्स और थ्री की जगह मैं एन और आर कर दू इनमें से बोल रही है एक को लाना ही लाना है तो पहले बोला इन आर में इस एक को अरेंज कर दिया यही किया इस थ्री में एक को अरेंज कर दिया थ्री पी वन यहाँ पे आर पी वन एंड बाकी एन माइनस वन में से अपन ने आर माइनस वन को अरेंज करा यही किया ना छह में से एक कम पांच में से तीन में से एक कम दो जगह पे अरेंज कर दिया तो यही फॉर्मूला अपन ने यहां पर लिखा है ठीक है ये फॉर्मूला याद रखेंगे ओके आपकी बुक में इसको और सिंप्लीफाई कर दिया होगा इसने इसको ऐसा बोल जाएगा आर इन टू एन माइनस वन पी आर माइनस वन बट अपन ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे दो चीजें बोली ना सिलेक्ट करने के लिए तो आर पी टू इंटू एन माइनस टू पी आर माइनस टू हो जाएगा एन माइनस टू आर माइन मतलब जितनी चीजें बोल रही है ना उतना यहां पे आ जाएगा और उतना ही यहाँ पर माइनस हो जाएगा अगर बोल रहा है कि दो चीजों को पक्का लेना है तो यहां पे आर पी टू एन माइनस टू पी आर माइनस टू हो जाएगा ठीक है तो ये याद रखना तो फॉर्मूला ऊपर वाला ज्यादा बेटर है याद रखना ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन गेरा देर आर टू वेराइटीज ऑफ राइस राइस वन राइस टू चार वेराइटीज ऑफ ब्रेड ब्रेड वन ब्रेड टू ब्रेड थ्री ब्रेड फोर भूख लगी है ना तीन वेराइटी ऑफ स्वीट स्वीट वन स्वीट टू स्वीट थ्री इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी प्लेड ऑन अ टेबल इफ सेम टाइप्स ऑफ डिशेज टू बी अरेज टूगेदर कह रहे सेम टाइप के डिशेस एक साथ होने चाहिए मतलब ये एक साथ होने चाहिए ये एक साथ होने चाहिए ये एक साथ होने चाहिए ठीक है यही बोल रहा है हमने बोला टुगेदर वाले को एक एक यूनिट मान लिया एक यूनिट ये दूसरी यूनिट ये तीसरी यूनिट ये तीन चीज़ों को तीन जगह पर अरेंज करने के थ्री पी थ्री तरीके अब इंटरनल अरेंजमेंट पर चलते हैं दो चीज़ों को इंटरनली दो जगह पर अरेंज करने के टू पी टू तरीके चार चीज़ों को चार जगह पर इंटरनली अरेंज करने पर के फोर पी फोर तरीके हैं तीन चीज़ों को तीन जगह पर इंटरनली अरेंज करने के थ्री पी थ्री तरीके हैं ठीक है सो थ्री पी थ्री इज थ्री फैक्टोरियल टू पी टू इज टू फैक्टोरियल फोर पी फोर इज फोर फैक्टोरियल थ्री पी थ्री इज थ्री फैक्टोरियल कितना आंसर होगा? गया सिक्स इंटू टू इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स आंसर कितना होगा भाई यहाँ आंसर होगा गया सिक्स इंटू टू इंटू फोर इंटू सोरी सिक्स इंटू टू इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स आंसर आ गया वन सेवन टू एट कितने तरीके से कर सकता हूँ मैं वन सेवन टू एट तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूँ ठीक number 100 अच्छा है नेक्स्ट द नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन हंड्रेड एंड वन थाउजेंड कैन बी फॉन्ड डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सेवन अच्छा क्वेश्चन है सो से लेकर हजार के बीच में कितनी डिजिट आ सकती हैं जो कि इन सातों से बन सकती है ठीक है कितनी डिजिट है देखो एक दो तीन चार पांच छ सात अब थोड़ा ध्यान से सोचो सो से हजार के बीच में कौन सी डिजिट आती हैं कह रहे सारे के सारे जो हमारे बनेंगे वो थ्री डिजिट नंबर है

या मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी देखूंगा तो क्या हो जाएगा कह रहे ये पहली जगह है इसको कितने तरीके से भर सकते हो एक दो तीन चार पाँच छः सात सात तरीके से मान लो एक जगह चली गई अब बाकी एक दो तीन चार पांच छः इस जगह को भरने के छह तरीके एक और चला गया नंबर जगह भी चले गई नंबर भी चला गया एक दो तीन चार पाँच इस जगह को भरने के ये तरीके कह रहे या तो आंसर ही आएगा या आंसर ही आएगा बट देखना दोनों आंसर सेम आएगा ये आंसर दो सौ दस आया सेवन पी थ्री क्या होता है सात से उल्टी गिनती चलेंगे तीन नंबर तक सात छः पाँच तीन नंबर खत्म तो आंसर आ गया दो सौ दस ये सेम आ रहा है फॉर्मूला से, से कर लूँ या फिर मैं किससे कर लूँ मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग के प्रिंसिपल से दोनों से आंसर सेम आ रहा है ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो इसका रटा हुआ फार्मूला है इसको एज इट इज़ यूज़ करना है एक आधी बार एग्जाम में आ गया है इसलिए मैं क्वेश्चन को लिखवा रहा हूँ वरना इसकी जरूरत नहीं है ठीक है मैं कंसेप्ट भी नहीं समझाना चाहता अभी के टाइम में क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे एक मामूली सी चीज है भाई मामूली नहीं बोलूंगा एक अलग सी चीज है जिसका कंसेप्ट भी लिटरली थोड़ा अच्छे लेवल का है इसलिए मैं फॉर्मूला तुमको बोल रहा हूं डायरेक्टली बुट कर लो सम ऑफ टू फोर सिक्स दो चार छठ कह रहे भैया विदाउट रिपीटेशन मतलब कि इनके जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल है जैसे चार दो छे आठ जैसे कि दो चार आठ छऐ ऐसे दिखने वाले जितने भी नंबर पॉसिबल होंगे यस उसका अरेंजमेंट कितना होगा उसका अरेंजमेंट नहीं सॉरी उसका अरेंजमेंट तो हम निकाल लेते हैं कि चार डिजिट है चार जगह को चार जगह पे अरेंज किया ट्वेंटी फोर नंबर है 24 का सम कितना होगा? सम number, number नहीं चार डिजिट हो तो कितने अरेंजमेंट हो गए फोर पी फोर कह रहे उनका सम कितना होगा सम के लिए अलग फॉर्मूला है ध्यान से सुनना क्यों है कि दर पर है उस पर नहीं जाते बहुत लंबा चला जाएगा ठीक है मैं समझा सकता हूँ बेटा डिटेल क्लास जब होती है ना अपन उसमें समझाते हैं वन शॉट में समझाना पॉसिबल नहीं है जब अपने डिटेल में होगा ना मंथन बैच में तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता होता हूँ बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं जितने भी चैप्टर अभी तक पड़े उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको समझाता हूँ डिटेल्ड बैच में यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है ठीक समझो ध्यान से तो कैसे करेंगे कह रहे भाई समझो अपने पास में चार चीज़ें हैं तो चार चीजें हैं जितनी चीजें हैं उनमें से एक माइनस कर दो उसका फैक्टोरियल ले लो कितना हो गया फोर माइनस वन फैक्टोरियल अब इसको मल्टीप्लाई करा दो जो भी डिजिट दे रखे उनके सम से कितनी डिजिट है भाई चार डिजिट है चारों का सम कर दो ठीक है लिखा होगा फॉर्मूला एन माइनस वन फैक्टोरियल सम ऑफ द डिजिट और मल्टीप्लाई करा दो जितनी डिजिट है उतनी बार वन लिखकर मतलब वन 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 दैट इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड इलेवन इन मल्टीप्लाई करा दो आपका आंसर आ जाएगा मैं इसका रीजन तुमको बता देता हूं क्यों रीजन बनता है सोचना चाहता हूं खुद से सोच लेना तुमको डिटेल में नहीं ले जा सकता इसका काम होता है फोर डिजिट नंबर है तो हर एक की पोजिशनिंग पोजिशनिंग क्या होती है ये वन लिखने का मतलब है ये यूनिट पोजिशन है ये टेंस पोजिशन है थाउजेंड पोजिशन है, है तो हमने यहां पर सबका सम कर दिया है थाउजेंड प्लस हंड्रेड प्लस टेन प्लस वन तो उनका सम ये बनता है तो इसलिए ये चीज मल्टीप्लाई ऐसे आ रही है इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब यह है कि हर डिजिट एवरी पोजिशन पर ये सारे नंबर आएंगे तो इसलिए मैंने इसको सम कर दिया ठीक है ये सारे नंबर है एवरी पोजिशन पर ये दो चार छह आठ आएंगे तो सम करना तो मैंने इसलिए एवरी पोजिशन पर सम कर दिया ये मैंने पोजिशन बताई ये मैंने हर पोजिशन पर उसका सम कर दिया अब हर पोजिशन पर ये नंबर कितनी बार आएंगे कह रहे इतनी बार आएंगे ठीक है हर पोजिशन पर एवरी डिजिट रिपीट दिस नंबर ऑफ टाइम ठीक है ये शो कर रहा है क्या शो कर रहा है यह बता सकता हूं तुमको क्यों कर रहा है वो बहुत दिमाग खराब करेगा ठीक है हर पोजिशन में एवरी डिजिट विल रिपीट दिस नंबर ऑफ टाइम ठीक है यह क्या शो कर रहा है कि भैया दो हर पोजिशन पर इतनी बार रिपीट होगा चार हर पोजिशन पर इतनी बार रिपीट होगा ये ये नंबर हमारे हर पोजिशन बनने वाले हमने इसका सम कर दिया तो इस पर क्या हो गया हर पोजीशन का सम हो गया ये यूनिट प्लेस रिप्रेजेंट करते हो टेंस पे ये हंड्रेड्स पे थाउजेंड्स पे तो इसलिए सम्स कर दिया हमने यहाँ पर ठीक है क्लियर है तो ये सम के लिए हमने यहाँ पर छे यहाँ पर कितना हो गया ये हमारा बीस यहाँ पर हमारा ट्रिपल वन तो ये आंसर कितना हो गया एक सौ बीस इंटू चार बार वन सॉरी ट्रिपल वन नहीं चार बार वन. तो वन 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 इंटू एक सौ बीस तो आंसर हो गया वन ट्रिपल थ्री टू जीरो ठीक है जिसको समझ में आगे अच्छा है नहीं आया तो समझ लेना फॉर्मूला यही है जितनी नंबर ऑफ डिजिट देंगे उसमें से एक कम करके उसका फैक्ट्री ले लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ द डिजिट और जितनी नंबर ऑफ डिजिट है उतनी बार वन लिख के उसे मल्टीप्लाई करा देंगे ठीक है क्लियर है हाँ जी बेटा कॉम्बिनेशन पर अब बात करने लगे हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है देखो कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था सिलेक्शन इसको समझाने के लिए मैं लेकर आया हूं दीरा दीरा कौन है मेरी बीबी ठीक है तो ये मेरी डॉटर है तो इसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं जैसे मैं इसकी बुक्स कुछ लेकर आया हूँ यहाँ पर सम ऑफ़ हर बुक्स ये देख रहे हो जिसकी बुक्स का एक शेल्फ है छोटू सा ठीक है इसमें कुछ दीरा की बुक्स हैं तो इसको बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है ड्राइंग करना अच्छा लगता है स्टोरी बुक्स हैं बहुत सारे टाइप की बुक्स हैं तो किसी दिन दीरा मुझे बोलती है कि पापा पापा मुझे टू बुक्स दे दो इनमें से पापा पापा टू बुक्स दे दो तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ से दीरा को टू बुक्स दे दी ये लो ये लो दीरा आपकी वन बुक वन बुक क्या है ये द स्टोरी ऑफ किंग बाली और मैंने दीरा को सेकंड बुक दे दी लॉर्ड कृष्णा लिफ्ट्स गोवर्धन तो मैंने दीरा को ये टू बुक्स निकाल के दे दी ठीक है सो अब यहां पर जब मैंने ये दो बुक्स निकाली तो क्या मैंने कोई अरेंजमेंट किया मैंने बोला क्या क्या मैं ये पहले निकालूंगा ये मैं पहले निकालूंगा मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं ना इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब मुझे कुछ निकालना होता है या कुछ जब मुझे कुछ सिलेक्ट करना होता है तो मुझे अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही है सो so, तो ऐसे जहां पर भी आपको समझ में आए जहां पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है ऑर्डर मैटर नहीं करता है ठीक है तो वहां पर अपन बोलते हैं वहां पर अपन बोलते हैं कि हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे Okay, वहां पर हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे ठीक है so, सो अगर मैं बोलता हूं दीरा के पास एन बुक्स है उनमें से मुझे आर का कॉम्बिनेशन करना है तो एनसीआर करेंगे और एनसीआर का फॉर्मूला होता है एनपीआर में एनपीआर फैक्टोरियल तो फॉर्मूला अगर एक्सपैंड करें एनपीआर क्या हो गया एन फैक्टोरियल बाय माइनस आर फैक्टोरियल और इसको मैंने आर फैक्टोरियल ओवर से डिवाइड कर रखा तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला बन जाता है कैसे बनता है क्यों बनता है वो इतना डिटेल में नहीं जाते भी, ना? अभी को पढ़ना है एन फैक्टोरियल बाय माइनस आर फैक्टोरियल उसको हमने आर फैक्टोरियल ओवर से डिवाइड करा दिया है ठीक है समझ में आया सो so, फॉर्मूला अपन ने वापस से लिख दिया एनसीआर टू एन फैक्टोरियल बाय माइनस R फैक्टोरियल बाय में R फैक्टोरियल ठीक है ना क्लियर है यस yes. कुछ इस पर क्वेश्चन देखते हैं पहले एक बार बेसिक कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेसिक फिर मैं आपको उस पर बताता हूँ ठीक है ओके यस आइए हाँ बेटा तो आओ क्वेश्चन देखें क्वेश्चन अपना पहला अपन ने बनाया चलो एट सी थ्री निकालना है ठीक है पहला करो मेरे साथ साथ दूसरा अपन ने बोला सेवन सी फोर निकालना है, तीसरा अपन ने बोला फाइव सी टू निकालना है। कैसे करेंगे देखो फिर मैं आपको इसके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला भी बनाऊंगा एट सी थ्री का मतलब क्या है? मुझे एट का फैक्टोरियल को डिवाइड कराना है इन दोनों के फैक्टोरियल का डिफरेंस और जो नीचे वाला नंबर है ना उसके फैक्टोरियल से भी डिवाइड कराएंगे तो ऊपर में ये वाला फैक्टोरियल नीचे में इसका फैक्टोरियल और नीचे में साथ में इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल भी आ जाएगा यस हो गया एट फैक्टोरियल बाय में बायटोरियल इन टू थ्री फैक्टोरियल अपने को क्या करना है ना जो सा इन दोनों में से बड़ा दिख रहा है उसके फैक्टोरियल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बोला आठ से कम करना शुरू करते हैं पांच आ गया ओ इसका फैक्टोरियल रुक सकता हूं रुक सकता हूं यहां पर ही आ गया। इसको इससे काट दिया। अच्छा थ्री फैक्टोरियल क्या होता है तो यह एक तरीका तो यह अभी तुमको एक और शॉर्टकट तरीका दिखाता हूं मुझे मुझे तो मैं क्या कह रहा हूं सात से ना एक एक कम करते हुए चार नंबर ले लूंगा सात छह पांच चार इनका प्रोडक्ट ऊपर में सात से एक एक कम करते हुए चार नंबर ले लिए उनका प्रोडक्ट ऊपर में नीचे में चार का फैक्टोरियल नीचे में डाल दिया वाह ठीक है सो ये इसका शॉर्टकट बन गया तुम ऊपर वाला भी देखोगे इससे सेम तरीके से कर सकता हूं मैंने बोला आठ से एक एक कम करते हुए तीन नंबर ले लिए और नीचे में थ्री का फैक्टोरियल डाल दिया देखो सेम बन रहा है सेम बन रहा है ना फिफ्टी सिक्स यहाँ भी फिफ्टी सिक्स यहाँ भी फिफ्टी सिक्स यहाँ भी देखो चार से चार गया तीन से ये गया तीन पे दो पे ये दो से दो गया तो आंसर आ गया पैंतीस ठीक है सेम फाइव सी टू देखें फाइव सी टू क्या हो गया पाँच से एक एक कम करते हुए दो नंबर ले लें तो फाइव और फोर हो गया नीचे में टू इंटू वन तो आंसर आ गया कितना भैया टेन आंसर कितना आ गया भैया टेन आ गया फाइव इंटू टू टेन आ गया ठीक है ओके अच्छा अब फॉर्मूला देखना एन सी एन क्या होता है ये याद रखना आपने एन सी एन होता है एन फैक्टोरियल बाय में नीचे वाले का फैक्टोरियल एंड डिफरेंस का फैक्टोरियल यही कर रहे हैं तो ये कितना हो गया एन फैक्टोरियल बाय में एन फैक्टोरियल इनटू में जीरो का फैक्टोरियल ये कट क्या? तो गया, by, तो one one, one गया तो हो गया वन बाय जीरो फैक्टोरियल कितना होता है वन तो वन बाय वन वन हो तो एन की वैल्यू वन होती है ठीक है अच्छा

एन माइनस आर निकालो रिजल्ट सेम आता है NCR NCR -R result same आता है। एनसीआरियल बायटोरियल इन टू एन माइनस आर का फैक्टोरियल एनसी एन माइनस आर क्या है? एन फैक्टोरियल बाय में माइनस आर का फैक्टोरियल इन टू में क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस n n r का फैक्टोरियल माइनस कर दिया ठीक है ना ओके सो so, यहाँ पर आंसर क्या हो गया मेरा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n r का फैक्टोरियल है ना यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल बाय में n r फैक्टोरियल n में से n गया कट गया माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस ऑफ r का फैक्टोरियल ओ oh, ये तो न? सेम ही दिख रहा है सर सही कह रहे हो आप एनसीआर टू एनसी एन माइनस आर होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना most important formula, NCR is equal to NCR -R. बहुत सारे question इस पर होते हैं ये बात मैं आपको बता चुका और आर हमेशा जीरो से बड़ा ये लिखा था ना वही कंडीशन यहां भी लगती है अब मैंने क्यों बोला एन सी आर और एनसीएन माइनस आर ठीक है दोनों बराबर है तो हम यहां से ये बात भी बोलते हैं कि अगर ये चीज है ना सेम एन जो होगा ना वो एन माइनस आर से तो बड़ा होगा ही होगा और साथ में ये मेरा जीरो से बड़ा भी होगा ही होगा ऑब्वियस बात है भाई ये इसके बीच में आ रहा तो ये भी पॉजिटिव होगा बड़े में से छोटा माइनस कर रहा हूं, है ना और वो बड़े में छोटा माइनस कर पॉजिटिव आएगा तो जीरो से बड़ा तो होगा ही होगा <coughs> सॉरी ठीक है so, सो ये बात समझ में आ गई है लेट सी छुट्टर मोटर से दो चार क्वेश्चन फिर मैं आपको थोड़े और केस बताऊंगा कह रहा है इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट थ्री पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स ताश के पत्ते देखेंगे कभी आपने ताश के पत्ते अभी अभी दीरा लेकर चली गई है यहाँ से ठीक है देखिए ना ताश के पत्ते रोको मैं लेकर आता हूँ एक सेकेंड रो दीरा से मैं लेकर आता हूँ अभी लेकर आइए वो हाँ जी ले आया मैं कार्ड्स ये रहे कार्ड्स ठीक है इनको बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स ओके जुआवत खेलने लग जाना ये ज्ञान के लिए भी लिया जाता है लोग इससे अपनी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव करते थे जैसे मैथमेटिक्स हेल्प करती है ना लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव कराने में वैसे ये कार्ड्स भी करते हैं बट लोगों ने बोला अरे वाह ये तो दिमाग वाली गेम है चलो इस पर पैसा बजारी करते हैं बेकार चीज़ है ठीक है यू शुड प्ले द कार्ड्स बट विदाउट मनी ठीक है बहुत सारी अलग अलग अच्छी अच्छी गेम होती हैं माई फेवरेट इज सीप हिंदी में बोलते हैं सीप पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो सी मुझे बहुत पसंद है ठीक है उसमें सारे के सारे कार्ड्स याद रखने होते हैं और कौन सा कार्ड जा रहा है कौन सा कार्ड आ रहा है ये पता होना चाहिए तो ऐसे ही फिफ्टी टू कार्ड्स होते हैं कार्ड्स कैसे होते हैं मैं आपको पहले समझाता हूँ कार्ड्स होते हैं तेरह 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 के चार सेट होते हैं तेरह तेरह के चार सेट होते हैं ठीक है अब यहां पर तेरा कार्ड होंगे यहां तेरा कार्ड्स होंगे यहां तेरा कार्ड होंगे तेरा कार्ड होंगे ठीक है एक होगा अपना रेड कलर का डायमंड एक होगा रेड कलर का हार्ट एक होगा हमारा क्लब का कार्ड और एक होगा हमारा स्पेड का कार्ड ठीक है डायमंड हार्ट स्पेड और क्लब ठीक है ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के ये होते हैं ब्लैक कलर के जिसको नहीं पता बता रहा हूं ये होते हैं हमारे रेड कलर के प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा यूज आता है इसलिए बता रहा हूं ठीक है जैसे ये रहा मेरा स्पेड दिख रहा है तुमको चीड़ी ठीक है हिंदी में बोलते हैं ठीक है फिर ये मेरा रहा क्या देखो स्पेड पान का पत्ता ठीक है और ये रहा मेरा हार्ट जिसको बोलते हैं हम दिल ये दिल ठीक है क्लियर है अब कार्ड के कैसे होती है ए, ए मतलब एक फिर दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस इसके बाद आता है जैक गुलाम बोलते हैं जिसको क्वीन और किंग ठीक है राजा और रानी तो ये तेरह कार्ड होते हैं इन तेरह कार्ड से गेम्स खेली जाती हैं तो इन्हीं कि बावन में से किसी तीन को सिलेक्ट करना है अरेंज नहीं करना बावन में लिया मुझे नहीं फर्क पड़ता पहले कौन सा दूसरा कौन सा तीसरा कौन सा मुझे बस सिलेक्शन करना है तो फिफ्टी टू तो में से तीन कार्ड सिलेक्ट करने के फिफ्टी टू सी थ्री तरीके टू सी थ्री का मतलब क्या है फिफ्टी टू से एक एक कम करके तीन नंबर लेने और नीचे में जो नीचे वाला नंबर है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड दैट इज तीन से उल्टी गिनती टिल बन आ जाए ठीक है कितना बन रहा है चेक करो सो कैलकुलेटर so, से ही कर लेते हैं क्या दिक्कत है यस सो कैलकुलेटर बाबा कैलकुलेटर बाबा कहाँ गए ये फिफ्टी टू इंटू फिफ्टी वन इंटू फिफ्टी डिवाइड बाई तीन डिवाइड बाई दो सो आंसर आ गया मेरा टू टू वन जीरो जीरो ठीक है ओके सो फिफ्टी टू डिड बाई टू डिवाइड बाई थ्री इंटू में मैं वापस से कन्फर्म कर रहा हूँ फिफ्टी टू इंटू फिफ्टी वन डिवाइड बाई थ्री डिड बाई टी एक चलो थ्री अकाउंटेंट एंड टेन मैन अप्लाई दस जनता ने अप्लाई किया उसको तीन ही अकाउंटेंट चाहिए ठीक है इन हाउ मेनी वेज कैन दीज सिलेक्शन टेक प्लेस क्या कितने तरीके से सिलेक्शन हो सकता है क्या में से तीन को चूज करना है सिलेक्शन करना है दस में से तीन को चूज कर लिया दैट इज टेन सी थ्री तो अगेन आंसर क्या होगा उससे एक कम उससे एक कम तीन नंबर लिए जितना नीचे लिखे लिए और नीचे में थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड फैक्टोरियल इंटू टू इंटू वन सिंपल क्वेश्चन ठीक है ना ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है तीन से नौ से तीन गए इस पे और यहाँ पे गए पांच पे तो आंसर कितना होगा गया पांच इंटू तीन इंटू आठ दैट इज एक सौ बीस तो एक सौ बीस से दस में से तीन सी ए सिलेक्ट कर सकता है उसको कॉम्बिनेशन चाहिए उसको अरेंजमेंट नहीं कर रहा उसको नहीं फर्क पड़ता कि पहले कौन सा आया दूसरा कौन सा आया तीसरा कौन सा आया नेक्स्ट क्वेश्चन एन प्लस वन सी एन माइनस वन अगर फोर्टी फाइव है तो यहां पर एन की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है देखो जब भी तुमको दिखे ना कि यार नीचे वाला जो नंबर है वो बड़ा सा लग रहा है है ना इसके आसपास ही लग रहा है है ना देखो एन प्लस वन से अगर तुम गैप देखोगे एन माइनस वन का तो ये तो बहुत छोटा सा गैप है दिस इज एन प्लस वन माइनस ऑफ एन माइनस और माइनस प्लस वन गया ये तो दो का ही गैप है ना यस yes. so, जब तुमको दिख रहा है ना गैप कम है, तो आप फॉर्मूला एनसीआर टू एनसी एन माइनस आर यह वो इसीलिए तो यहां से मेरा नीचे वाला है ना ऊपर वाले में से नीचे वाला चला गया ऊपर वाले में से नीचे वाला चला गया वो हमने कॉम्बिनेशन के पैर में रख दिया एन प्लस वन सी एन माइनस वन मीन एन प्लस वन सी डिफ्रेंस ऑफ दिस नंबर तो ये भी हो सकता है अभी एन प्लस वन में से एन माइनस वन घटाया तो ये मेरा एन प्लस वन सी टू के इक्वल आया अब इसकी वैल्यू पैंतालीस है ठीक है so, सो यहाँ पर एन प्लस वन सी सी टू अगर मेरा पैंतालीस है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि एन प्लस वन और उससे एक कम नंबर एन लिया है ना एन प्लस वन से एक कम करो एन प्लस वन से एक कम करो तो एन वन गया ठीक है तो अपन ने एक कम करके दो नंबर टोटल लेना है यस एक ये ले लिया एक ये ले लिया दो नंबर ले लिया इनका मल्टीप्लीकेशन इनका मल्टीप्लीकेशन ठीक है यस डिवाइडेड बाय का फैक्टोरियल दैट इज ये 45 गया। so क्या हो गया अपना एन प्लस वन मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू देखो ये टू फैक्टोरियल टू इंटू वन ना तो ये टू ऊपर में मल्टीप्लाई करा दिया फोर्टी फाइव से तो नाइनटी बन गया ठीक है ये अपन ने क्या किया यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइनटी बन गया अगेन सोचो देखो ये नंबर इससे एक छोटा है मतलब इसमें एक ऐड कर दो तो ये बन गया क्या? क्या मैं इसको ऐसे दो नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं जिसमें एक दूसरे से बस एक छोटा हो यस सर ये नंबर इससे एक छोटा है तो यहां पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अब बड़े वाला नंबर बड़े के इक्वल बड़ा वाला कौन सा ये यहां पर बड़ा कौन सा ये इसके इक्वल या छोटे वाला छोटे के इक्वल दोनों सेम रिजल्ट देंगे तो एन कितना होगा गया दस माइनस एक नो के इक्वल ठीक है एन की वैल्यू नो आ रही है ठीक है थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखाया बस काम सिंपल था एन प्लस वन सी एन माइनस वन करना है तो एन प्लस वन सी एन प्लस वन में से एन माइनस वन घटा दिया तो एन प्लस वन सी टू बन गया इसकी वाली पैंतालीस है तो एन प्लस वन इंटू एन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू इंटू वन सिंपलीफाई किया आंसर आ गया ठीक है ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं तो इसलिए मैं ये समझा रहा हूं नेक्स्ट कह रहा है एट पी आर वन सिक्स एट जीरो है एट सी आर हमारा सत्तर है तो बोल रहा है आर की वैल्यू बताओ मैंने अभी आपको बताया एन सी आर का फॉर्मूला एक और होता है NPR R तो यहां से अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज करा दूं अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज करा दूं तो आर फैक्टोरियल क्या हो गया एनपीआर बाई फैक्टोरियल और क्या हो गया अपना एनपीआर बाई एन सी आर एनपीआर ये एन की वैल्यू एट दिख रही है एन की वैल्यू एट दिख रही है तो एट पी आर ऊपर हो गया और नीचे में एट सी आर हो गया है ना एन की वैल्यू बस इसमें दिख रहा है ना एट है मतलब एन एट रखा है आर अपने को नहीं पता कोई बात नहीं पुट कर देता वन सिक्स एट जीरो बाई सेवेंटी तो वन सिक्स एट जीरो को मैंने सेवनटी से डिवाइड करा दिया तो यार ट्वेंटी फोर कह रहे अगर आर फैक्टोरियल ट्वेंटी फोर है आपको यह बताना है कि ट्वेंटी फोर किसका फैक्टोरियल है सर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर सर फोर का फैक्टोरियल है मैंने बोला था ना अगर फैक्टोरियल सेम है तो मतलब नंबर भी सेम होगा तो मतलब आर की वैल्यू चार आ गई है ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ एक बार ठीक है तो आर की वैल्यू चार आ गई है नेक्स्ट कमेटी ऑफ फाइव बी चूजन फ्रॉम सिक्स सी ए सी ए कितने सी एम ए फोर चार सी एम ए और सी एस पांच है ये अपने पास इनमें से एक कमेटी बनानी है. अच्छा In how many ways can this be done? If the committee, there must be be at least there must be yeah. at least one member from each group and at least two chartered accountants. अच्छा जी बोल रहा है कि हमारे पास में at least one member हर group से होना चाहिए मतलब ये value एक से बड़ी होनी चाहिए एक या एक से बड़ी मैं pen change करना चाहूँगा ये value अपनी एक या एक से बड़ी होनी चाहिए ये value एक या एक से बड़ी होनी चाहिए and at least two chartered accountant और ये value दो से बड़ी होनी चाहिए ऐसे अपने को चूज करना है अपने को गिवन ये है और टोटल जो कमेटी फॉर्म करनी है टोटल होना चाहिए इनका फाइव तो अपने को यहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करने हैं ठीक है ना कि भाई मैं इनमें से कितने चूज करूं 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 इतने में से कितने में से कितने कितने चूज चूज इसमें कि आंसर आ जाए और ये मिनिमम दो चूज करने ये मिनिमम एक और ये मिनिमम एक ठीक है तो मैंने माना कि लेट सपोज मैंने इसके अंदर में दो ही चूज करे और इसमें एक ही चूज किया तो मुझे टोटल फाइव की बनाने के लिए यहां पे मिनिमम कितने चाहिए होंगे दो चाहिए होंगे तो फाइव की कमेटी बन गई तो एक तरीका ये हो सकता है ठीक है एक तरीका ये हो सकता है दूसरा तरीका आपने दो ये चूज कर दिए इधर बोला नहीं मैं इधर एक ही करूंगा तो कह रहे दो यहां चूज कर ले एक तरीका ये हो सकता है तूने ऐसे चूज किया और तरीका क्या हो सकता है सोचो कह रहे यार यहां एक यहां एक, एक, एक चूज किया है और टो, टोटल पांच बनाने टोटल कितनी चाहिए पांच की कमेटी चाहिए देखो दो एक दो पांच हो रहा है दो प्लस दो प्लस एक पांच हो तो, रहा है यहां एक प्लस एक दो हो रहा है और यहां पे तीन तो ये देखो तुम्हारे पास में तीन केसेस बन रहे हैं इसके अलावा तो कोई और नहीं बन रहा तो या तो तुम इस तरीके से कमेटी बना सकते हो या तो तुम इस तरीके से कमेटी बना सकते हो या तो तुम इस तरीके से कमेटी बना सकते हो अभी कितने तरीके से किया जा सकता है ये पूछ रहा है अब देखो मुझे कमेटी फॉर्म करने के लिए छे में से दो लोगों को उठाना है उठाना मतलब चूज करना है दैट मीन सिक्स में से दो लोगों को चूज करना है यहां पे चार में से मुझे एक को चूज करना है फोर में से एक को चूज करना है यहां पे मुझे फाइव में से दो को चूज करना है तो ये इतने तरीके से मैं कर सकता हूं ठीक है ना नेक्स्ट अगले में इसमें से छ में से मुझे दो को चूज करना है यहां पे चार में से मुझे दो को चूज करना है और यहां पे पांच में से मुझे एक को चूज करना है ये भी करना है ये भी करना है एंड ये भी करना है नेक्स्ट छे में से यहां पर मुझे अब तीन को चूज करना है चार में से यहां पे मुझे एक को चूज करना है और पांच में से यहां पे मुझे एक को चूज करना है और ये तरीके हो जाएंगे अब ये करना है देखो मतलब बेसिकली क्या है ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है इसलिए मल्टीप्लाई है बीच में आया यहां पे भी छे में से दो भी चूज करना है एंड चार में से दो भी चूज करना है एंड पांच में से एक भी चूज करना है मल्टीप्लाई है। बट यहां तो टोटल तरीके इतने हो जाएंगे। करें चेक करें कितना बन रहा है सिक्स सी टू छू फाइव नीचे में टू इंटू वन फोर सी वन फोर फाइव सी टू पांच और उससे एक कम नंबर चार नीचे में टू इंटू वन एक, एक हो गया प्लस में नीचे में सिक्स सी टू सिक्स और इससे एक कम पांच नीचे में टू इन टू वन फोर सी टू चार और उससे एक कम तीन नीचे में टू इंटू वन टोरियल फाइव सी वन इज फाइव ठीक है अच्छा एन सी वन और एन सी वन कितना होता है एन होता है ठीक है और एन सी एन माइनस वन भी एन हो जाएगा ठीक है याद रखना यस नेक्स्ट सिक्स थ्री छः उससे एक कम उससे एक कम कितने तो टोटल तीन नंबर और नीचे में तीन का फैक्टोरियल दैट इज थ्री इंटू टू इंटू वन फोर सी वन फोर हो गया फाइव सी वन फाइव हो गया ठीक है देखो आंसर कितना आ रहा है चलो कैलकुलेशन करें ये दो गया चार पे दो से ये दो गया यहाँ से कट गया तो तीस इंटू बीस छः सौ प्लस में नेक्स्ट यहाँ पर अगेन ये दो गया इस पर दो पर ये दो गया इससे कट गया तो ऊपर मांगा तीस इंटू पंद्रह साढ़े चार सौ यहाँ पर ये छे इस छः से कट गया तो बीस इंटू बीस चार सौ तो आंसर कितना हो गया साढ़े चार सौ प्लस चार सौ प्लस छः सौ तो आंसर आ गया वन फोर फाइव जीरो तो वन फोर फाइव जीरो तरीके से मैं ये सिलेक्शन कर सकता हूं कि छः सी ए हैं पांच सी एम है चार सी एस चार सी एम है और पांच सी एस हैं उनमें से जो मुझे कमेटी बनानी है पांच लोगों की जहाँ पर मिनिमम एक एक और यहाँ मिनिमम दो चाहिए तो ये तरीके से आप सिलेक्शन करोगे अब सिलेक्शन करने में कितने वेज हो जाएंगे वो हमारे इस तरीके से हो जाएंगे और इसका आंसर हमने निकाल दिया ये अच्छा क्वेश्चन है अगर ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन देना चाहेगा ना इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा ठीक है ओके okay, नेक्स्ट आगे बात करते हैं यस अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है इनको एज इट इज देखना है मैं आपको समझाता हूँ क्या रिजल्ट है कह रहे अगर एट में एट मतलब ऊपर वाला सेम नंबर है

अगर मान लो P में देखते हैं, अगर एट बी थ्री है ठीक है एट बी थ्री है और यहां पर ये तीन मल्टीप्लाई कर रखा है इस एट पी, इस से से एक कम एट टू से, तो इसका रिजल्ट अगेन इनसे एक बड़ा हो जाएगा और नीचे में जो बड़ा आ रहा है उसके इक्वल हो जाएगा तो यहां पर देखो एन माइनस वन एन माइनस वन है तो इससे एक बड़ा ऊपर में एन आ गया जो पैर में गया था वही मल्टीप्लाई रखा है यहां पर और इससे एक छोटा यहां पर है इससे एक छोटा यहां पर है यही मैंने किया यहाँ एट भी थ्री है इस ये नंबर सेम यहां पर है ये ऊपर वाला सेम टू सेम यहाँ चला गया और इससे एक छोटा यहां पर है तो मैं ऐसे कैसे में बोलता हूँ जो ये नंबर दिख रहा है ना ये नंबर दिख रहा है इधर में जो अकेला का पड़ा हुआ है इससे ऊपर वाला एक बड़ा कर देना नीचे वाला इसी का ले लेना नीचे वाला इसी का ले लेना ये रेयरली यूज आता है ज्यादातर ये यूज आती है प्रॉपर्टी ज्यादातर ये प्रॉपर्टी हमारे काम में आती है ठीक है ना सर जैसे ये दिख रखो कह रहे इलेवन सी टू प्लस इलेवन सी थ्री कितना हो जाएगा ऊपर दोनों सेम है नीचे में क्या दिख रहा है ये बड़ा है तो जो बड़ा है वो नीचे में आ जाएगा और ऊपर में 11 से एक बड़ा नंबर 12 हो जाएगा ऊपर में 11 से एक बड़ा नंबर 12 हो जाएगा ठीक है आगे देखो कह रहा है अगर NC इलेवन NC ट्वेंटी वन के इक्वल है तो कह है बताओ थर्टी थ्री सी एन कितना होगा अब ध्यान से देखो अगर एन सी आर एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है हमने यही पढ़ा अब तक है ना और कोई तेज में इक्वल नहीं है अगर ऊपर वाली चीज सेम है तो इसका मतलब ये मेरा अगर आर है ये मेरा अगर आर है तो ये मेरा एन माइनस आर होने वाला है अब आर की जगह मैं ग्यारह पुट कर दूं तो एन माइनस ग्यारह मेरा इक्कीस होने वाला है एन तो की वैल्यू मैं ग्यारह प्लस इक्कीस बत्तीस कर सकता हूं ठीक है सो so, ये मेरा आर हो जाएगा ये मेरा एन माइनस आर हो जाएगा तो याद रखना हमेशा इस फॉर्मूले में इक्वेट करेंगे तो ये मेरा आर है ये मेरा एन माइनस आर है अच्छा मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ कि मेरा एन जो हो जाएगा ना वो तो आर प्लस में एन माइनस आर हो जाएगा देखो डायरेक्टली भी तो हो गया है ना ये आर से आर कट गया तो एन की वैल्यू डायरेक्टली भी मैं कर सकता हूँ ग्यारह प्लस इक्कीस शॉर्टकट में याद कर रखना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सो so, मुझे थर्टी थ्री सी एन पूछिए थर्टी थ्री थ्री एन कितनी हो जाएगी थर्टी सी थ्री सी एन कितना आया बत्तीस आया यस अब यहां पर मैं भी यहां पर भी मैं बोलता हूं एन सी एन माइनस आर लगाता जैसे ही मुझे दिखे ना ये इसके पास आ रहा है थोड़ा दूर ले जाओ इसको दूर ले जाने के लिए एन माइनस आर दैट इज थर्टी थ्री सी थर्टी थ्री माइनस थर्टी टू है ना एन सी आर इज गन सी एन माइनस आर ठीक है तो ये कितना हो गया थर्टी थ्री सी वन पैर में अगर बनाता तो जो ऊपर में नंबर लिखा है यही आंसर तो आंसर कितना हो गया इसका थर्टी थ्री आंसर कितना हो गया इसका थर्टी थ्री ठीक है नेक्स्ट नंबर ऑफ वेज ऑफ शेकिंग हैंड इन ग्रुप ऑफ टेन शेकिंग हैंड टू इच अदर कह रहे हमारे ग्रुप में दस लोग हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस कह रहे कितने तरीके से लोग हाथ शेक कर सकते हैं ऑब्वियसली भाई मैं दो लोगों को बुलाऊंगा तो एक हैंड शेक हो जाएगा है ना भाई किन्नी दो लोगों को पकड़ा एक हैंड शेक हो जाएगा इन दोनों को पकड़ा एक हैंड शेक हो जाएगा इन दोनों को पकड़ा एक हैंड शेक हो जाएगा मतलब बेसिकली मुझे एक हैंड शेक करने के लिए दो लोग चाहिए सो so, दस में से दो लोगों को सिलेक्ट करना है हैंडशेक तो एक ही होगा ना पहला दूसरे से करे या दूसरा पहले से करे तो मुझे अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता बस दो लोगों को बुलाना बुलाक कराना तो दस में से दो लोगों को बुलाने के तरीके उनसे कितना हैंड शेक हुआ एंड फिर हैंड शेक करा लेते हैं हैंडश कितना होगा एक ठीक है तो ये क्या है सिलेक्शन ऑफ टू पीपल हैंडशेक कराने के लिए और ये क्या है मेरा इनका वन दो लोग मिलकर कितने हैंडशेक करेंगे टू पीपल डू एक हैंड बस आंसर आ गया तो टेन सी टू इज टेन इंटू नाइन बाय में टू इंटू वन दस से एक नंबर कम दो नंबर हो गए मल्टीप्लाई करा दिए नीचे में टू फैक्टोरियल 2 गया टू इंटू वन में वन इंटू में वन ये आंसर आ गया फोर्टी फाइव तो आंसर कितना आएगा वहां पे फोर्टी फाइव ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेन सर्कल्स दस सर्कल कितने मैक्सिमम इंटरसेक्शन करेंगे सेम टाइप का क्वेश्चन है एक ये सर्कल है एक ये सर्कल है तो दो सर्कल कितने इंटरसेक्शन करते हैं दो सर्कल करते हैं दो इंटरसेक्शन मैक्सिमम भी कितने इंटरेक्शन है मतलब कि अगर मैं बोलो देखो एक सर्कल और बना दिया इंटरेक्शन के लिए तो मैक्सिमम पॉसिबल ये इंटरेक्शन है तीन सर्कल का देखो ये दो कर रहा है ये सर्कल इससे दो कर रहा है और ये दोनों सर्कल ये दोनों सर्कल जो है ये दोनों सर्कल जो है, है यह यहाँ पे और यहाँ पे

तो ये इस तरीके से अपन दस में से दो सिले, सर्कल सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे करके सारे पॉसिबल सिलेक्शंस हो जाएंगे और उनको इंटरसेक्शन के कर देख लिया तो आपको ऑल वेज ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा ठीक है थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको यस दिन इंटू नाइन बाई मै टू इंटू वन इंटू टू ये आंसर आ गया नाइनटी आंसर कितना गया बेटा नाइन्टी डन है नेक्स्ट फाइव मैन एंड फोर वीमन टू सिट इन रो इन सच अर ऑलवेज ऑक्यूपाई पांच मेन और चार वीमेन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ लोग हो गए ना पांच मेन और चार वीमेन नौ लोग हो गए क्या ना वीमेन ऑक्यूपाई करती है ओनली इवन प्लेसेस तो इवन कौन सी है सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ इवन है सिक्स इवन है और एट्थन तो यहां पर बैठती है तो चार जगह पर विमेन बैठ सकती हैं टोटल विमेन विमेन कितनी चार चार तो चार को चार जगह पर बिठाना है ठीक है द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट विल नहीं बोल रहा मैं मैंने मिक्सचर बना तो तो बाकी जगह कितनी है एक दो तीन चार पांच अब पांच जगह पर पांच मैन बिठाने तो कितने तरीके फाइव पी फाइव तो फोर पी फोर इज ट्वेंटी फोर फाइव पी फाइव इज वन ट्वेंटी तो कितना आंसर आगे आपका टू एट एट जीरो करने के लिए था ठीक है चलो कुछ पर्टिकुलर अब केस देखते हैं जहां परमोटेशन अपने को समझना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर केस देखते हैं जहां पर अपने को एक अगेन डिफरेंट टाइप का कंडीशन बनता है अपन ने परम्यूटेशन थोड़ा बहुत समझ लिया अपन ने कॉम्बिनेशन समझ लिया अब थोड़े अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन होते हैं ना उसको देखा जाए थोड़े अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको लेट्स देखते हैं आओ देखा जाए तो क्या करेंगे इसमें कह रहे पम्टेशन वैन सम ऑफ द थिंग्स आर अक टेकन ऑल एट अ टाइम इस क्वेश्चन को ना मैं पहले समझाऊंगा आपको मतलब इस कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के हेल्प से फिर अपन फॉर्मूला बनाएंगे ठीक है कह रहे देखो हाउ मेनी डिफरेंट पमुटेशन आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कह रहे मैथमेटिक्स के अंदर में हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं मोटेशन मतलब अरेंजमेंट बना सकते हैं यस परमोटेशन मतलब अरेंजमेंट बना सकते हैं तो अब यहां पर अगर तुम देखोगे ना अभी ये कंप्यूटर वाला वर्ड भी किया था बट उससे थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन रीजन इसका क्या इसमें दो सेम सेम सी चीजें दिख रही है दो एम दिख रहे हैं इसमें दो ए दिख रहे हैं क्या इसमें दो ए दिख रहे हैं दो ए दिख रहे हैं अच्छा एम दो नहीं एम तीन दिख रहे हैं एम दो नहीं एम तीन दिख रहे हैं इसमें दो टी भी दिख रहे हैं इसमें दो टी भी दिख रहे हैं ठीक है इसमें दो टी भी दिख रहे हैं दो so, एम है या तीन एम ए तीन एम ए दो ए है दो टी है एक एच एक ई एक आई एक एस और एक एस है ठीक है ना सो so, जब भी अपने पास सेम आइडेंटिकल चीजें आती हैं तो अपन क्या बोलते हैं उनकी वजह से ना उनकी वजह से जो एक्चुअल अरेंजमेंट होगी ना जो एक्चुअल अरेंजमेंट होगी जो चीज आपने रिपीट करी है ना उसकी वजह से उतने टाइम्स उसका फैक्टोरियल डिवाइड मतलब अगर ये तीन चीजें रिपीट है ना सेम सेम तो उसकी वजह से थ्री फैक्टोरियल डिवाइड ये दो बार चीजें सेम रिपीट हुई हैं तो इसकी वजह से टू फैक्टोरियल डिवाइड ये दो बार टी रिपीट हुआ है तो इसकी वजह से टू फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा तो अगर सेम आइडेंटिकल चीज रिपीट हो रही है तो अपन तो उसके फैक्टोरियल तो 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 से डिवाइड करते हैं तो सेम आइडेंटिकल टू एज डिवाइड हो रहे तो टू फैक्टोरियल से इसकी वजह से डिवाइड हो जाएगा ठीक है अब ऊपर में नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे कितने वर्ड है देखो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह hmm. तो बारह लेटर बारह लेटर से फॉर्म होने वाले कितने वर्ड हो सकते हैं ऑब्वियसली ट्वेल्व पी टाइम चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है तो बारह चीजों को बारह में अरेंज किया बट नीचे में थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड बिकॉज तीन एम रिपीट हो रहे हैं टू फैक्टोरियल से डिवाइड बिकॉज टू ए रिपीट हो रहे हैं और टू टी से रिपीट हो रहे हैं तो टू फैक्टोरियल से इसकी वजह से डिवाइड हो जाएगा यस, yes. सो so, कितना हो गया फैक्टोरियल बाय में यहां पर तीन फैक्टोरियल और और फैक्टोरियल so, कितनी चीजें हैं एन थिंग्स आर लाइक मतलब एन वन चीजें एक टाइप की हैं एन टू चीजें एक टाइप की है एंड एन थ्री थिंग्स जो हैं वो एक टाइप की है जी, मतलब तीन टाइप चीजें एक दो तीन

टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच फाइव वन एंड थ्री जीरो साइंस आर टुगेदर देखो सेम तरीके से करेंगे पर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है कितने नंबर है वन और जीरोस जीरोस है 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 ना तो one है, और ठीक जीरो दो तीन चार पांच फाइव वन से तीन जीरो इस तरीके से अरेंज करना है पांच वन और को सच दैट नो टू जीरो साइंस आर टुगेदर अब सुनो यहां पर ये नहीं बोल रहा है कि दो चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए तीन चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए ये नॉट वाला केस नहीं है कह रहा कि कोई भी दो एक साथ नहीं होनी चाहिए डिफरेंस क्या, क्या ये नहीं बोल रहा कि भाई दो एक साथ रखिए बाकी सारे अलग अलग रख दो नहीं ये बोल रहा कोई भी दो एक साथ नहीं होनी चाहिए मतलब सब में गैप आना चाहिए ये नॉट वाला क्वेश्चन क्यों नहीं है नॉट टूगेदर में क्या होता है एक सेट ऑफ होती है वो एक साथ नहीं होनी चाहिए यहां ये बोल रहा है सारी कंडीशन कि भाई पांच एक साथ नहीं हो सकती है ये कंडीशन भी आ गई यहां पे चार एक साथ नहीं हो सकते जीरो अच्छा तीन जीरो दो जीरो एक साथ नहीं हो सकते

कि वो कभी साथ ही नहीं आ पाएंगे तो हमने यहां पर पूरा केस ही बदल दिया हमने बोला कि लेट्स डू वन थिंग पहले वंस को बिठाते हैं इस बार थोड़ा सा ये स्पेशल केस है स्पेशल केस है स्पेशल केस किस केस में यहां पर नो टू जीरो बोला है नो टू जीरो मतलब कोई भी दो जीरोज नहीं ये नहीं बोला कि नो जीरो आर सिटिंग टूगेदर मतलब यहां पर ये यह बोल रहा है कोई भी दो नहीं बैठ सकते ये नहीं बोला कि तीनों के तीनों जीरो एक साथ नहीं बैठ सकते कह रहे भाई इन तीन में से दो भी नहीं बैठ सकते साथ ये कंडीशन में भी हो सकती और ये कंडीशन में नहीं हो सकती है समझ में बात तो अपन दो चीजें माइनस करें इससे अच्छा हमने एक नया सिनेरियो बना दिया हमने बोला कि भाई एक काम करते हैं जो पांच वन है ना उनको बिठा देते हैं पहले और जो गैप बचेगा ना उनके लेफ्ट राइट में। उनके लेफ्ट राइट राइट में में उनके जो गैप बचेगा वहां पर जीरो अरेंज कर देंगे तो उस गैप कितने बचे एक गैप दो गैप तीन गैप चार गैप पांच गैप छह गैप तो इन छह गैप में से हम तीन जगह पर जीरो बिठा देंगे तो पांच वन को अरेंज करने के कितने तरीके फाइव फैक्टोरियल है ना फाइव चीजों को फाइव जगह पे अरेंज करने के फै पी फै वेज ना तो पांच को पांच जगह पे अरेंज करने के क्योंकि सारे वंस आइडेंटिकल है तो उसकी वजह फै फै से फाइव फैक्टोरियल डिवाइड अब छह जगह पर मुझे तीन अरेंज करने के कितने तरीके होंगे सिक्स पी थ्री बट क्योंकि सारे जीरोस आइडेंटिकल है तो इसकी वजह से मुझे हैं तो तीन फैक्टोरियल से डिवाइड तो ये भी अरेंज करना है एंड ये भी अरेंज करना है तो आंसर विल बी दिस सिक्स पी थ्री कितना होगा छह से उल्टी गिनती चलेंगे तीन नंबर के साथ सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल कितना थ्री इंटू टू इंटू वन ठीक है सो आंसर क्या होगा ये इससे कटा वन पे यहां तीन से गया दो पर यहां पर ये यह कटा तो ये आंसर आ गया वन इंटू ट्वेंटी ओनली ठीक है ध्यान से सुनो दोबारा से क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है पांच वंस तीन जीरोस को अरेंज करना है इस प्रकार से कि कोई भी दो जीरोस एक साथ ना आ पाएं तीनों के तीनों भी नहीं आ सकते और दो भी नहीं आ सकते तो हमने बोला पहले पांच वंस को प्लेस कर दिया ठीक है जो गैप्स बनेंगे वहां पर अपन जीरो डाल देते हैं ठीक है तो यहां से क्या होगा कोई कंडीशन माइनस करने वाली रहेगी नहीं अपना सिलारियो फिट करके कि जीरो को भी साथ ही नहीं आ पाएंगे देखो तो जीरो में यहां डाल दो तो इन दो जीरो के बीच में बना इन दो जीरो के बीच में बना ठीक है अगर मान लो मैंने बोला जीरो में यहां डाल दूँ तो यहां पे दो बन आ जाएंगे एक जीरो यहां डाल दिया यहां एक बना आ गया दो वन आ जाएंगे मतलब जीरो कभी साथ नहीं आ रहे काम बन रहा है इससे तो इसके लिए हमने बोला क्या करेंगे पांच वन को अरेज किया फाइव पी फाइव क्योंकि आइडेंटिकल से डिवाइड मल्टीप्लाई छह प्लेसिस पर तीन जीरो कितने तरीके हो गए सिक्स पी थ्री तरीके डिवाइड बाई तीनों जीरो तो से डिवाइड तो आंसर ये हो गया ठीक है स्टार मार्क कर लो सेम क्वेश्चन एक बार और भी एग्जाम में आया हुआ है ठीक है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन सम और ऑल ऑफ एन एट अ टाइम ये क्वेश्चन अच्छा है इसका फॉर्मूला भी बढ़िया अलग सा है इसका मतलब ये है कह रहे राजेश जी को क्रिसमस पार्टी में जाना है उनके ग्यारह दोस्त हैं उनको क्या चाहिए कि यार उनको पार्टी करनी है उनको पार्टी करने से मतलब होता है ग्यारह दोस्त हैं उनको पार्टी करनी है अब वो पार्टी करने में क्या कर सकता है पार्टी करने के लिए क्या चाहिए राजेश जी को कह रहे यार कोई भी एक दोस्त को बुला ले पार्टी हो जाएगी शुरू जब मिल बैठेंगे तुम मैं और कुछ और नहीं ठीक है पार्टी के लिए चखना ठीक है पार्टी हो जाएगी कह रहे नहीं यार दो लोगों को बुला लेंगे तो या फिर या फिर मतलब और दो लोगों को बुला लिया तो इसका आंसर आ गया एन टू का यस या फिर तीन लोगों को बुला लिया मान लो उसके एन एन दोस्त थे एन दोस्त थे तो एन में तीन दोस्तों को बुला दिया पार्टी करने के लिए या उसके चार दोस्त थे तो चार लोगों को पार्टी के लिए बुला लिया ऐसे मान लिया उसके एन दोस्त थे तो एन लोग में से एन के दोस्तों को बुला लिया तो सबको बुला लिया पार्टी करने के लिए तो ऐसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना तुम्हारे दस दोस्त है तुम्हें पार्टी करनी है तुम दस में से किसी एक को बुला लो या फिर दसवें से दो को बुला लो या फिर मतलब प्लस या फिर दस में से किसी तीन को बुला लो या फिर दस में से किसी चार को बुला लो या दस के दस को बुला लो मतलब दसवें से दस को चूज कर लिया अपने पार्टी के लिए ठीक है ये करना होगा या ये करना होगा या ये करना होगा या ये करना होगा ठीक है अच्छा एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं फॉर्मूला होता है इसको लिख लो इस फॉर्मूला का यूज करके इसका रिजल्ट एक शॉर्ट में आंसर बन जाएगा ऊपर वाले का ठीक है क्या फार्मूला होता है एन सी जीरो प्लस एन वन प्लस एन टू plus nc3 ठीक है plus nc0 plus nc1 0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 टिल ऐसे nc n तक अगर मैं चलता हूँ तो ये होता है 2 की पावर n ये होता है मेरा 2 की पावर n अब इस वाले में ना इस वाले में nc0 गायब है तो इस वाले में nc0 गायब है तो मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग एल्स दिस इज नथिंग एल्स यहाँ से nc0 यहाँ माइनस कर दो 2 की पावर n में से nc0 माइनस कर दो है ना इस वाले में देखो ये पूरा रिजल्ट सेम टू सेम ऊपर वाला है इसमें क्या गायब गया एनसी जीरो एनसी जीरो माइनस कर दू तो अपना रिजल्ट आ गया तो आंसर क्या होगा टू की पार एन माइनस एनसी जीरो मैंने बताया था पैर में अगर जीरो आ जाए तो एनसी जीरो हमेशा वन होता है पैर में जीरो आ जाए तो इसका आंसर वन होता है तो इसका आंसर क्या होगा मैं यहीं पे लिख दू इसको हटा के ये मेरा वन हो जाएगा बिकॉज बिकॉज अवर एनसी जीरो ने पढ़ा है ठीक है तो ये बोल रहा है कि मेरे को ग्यारह दोस्तों को इन्वाइट करना है ठीक है तो मैं किस तरीके से पार्टी कर सकता हूं मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 11 में से एक को बुला लू तो पार्टी हो जाएगी 11 में से दो को बुला लू तो पार्टी हो जाएगी या फिर या फिर मतलब प्लस 11 में से तीन को बुला लेंगे तो पार्टी हो जाएगी और और मतलब अगेन प्लस 11 में से चार को बुला लेंगे पार्टी हो जाएगी या ग्यारह के ग्यारह को बुला लेंगे तो पार्टी हो जाएगी तो यहां पर पैर देखो एक दो तीन चार जो ऊपर वाला नंबर है वहां तक चल रहा है देखो एक दो तीन चार जो ऊपर वाला नंबर है वहां तक चल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू की पावर में एन एन क्या जो ऊपर वाला नंबर है ग्यारह माइनस एक तो टू की पार ग्यारह माइनस एक करो जल्दी कैलकुलेटर बाबा दो की पार ग्यारह के लिए क्या करोगे टू मल्टीप्लाई इक्वल टू ग्यारह से एक बड़ा नंबर जैसे ही बारह आएगा टू, दैट टू जीरो फोर एट माइनस वन दट इज टू जीरो फोर सेवन आंसर कितना आ गया भैया टू जीरो फोर सेवन ठीक है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन समल एट अ टाइम वेन एन वन ऑफ द थिंग्स आर लाइक ऑफ वन का एन टू ऑफ थिंग्स आर अलाइक ऑफ टाइम अन थ्री ऑफ थर्ड काइंड ठीक है कॉम्बिनेशन करना है अभी कंफ्यूज मत हो ना यहां पर क्या था परमोटेशन था ये क्या था अरेंजमेंट था एन वन एक टाइप की एन टू की एन थ्री यहां क्या सिर्फ चूज करना है अगर मुझे सिर्फ चूज करना है मुझे कॉम्बिनेशन करना है ध्यान रखना क्या करना है मुझे सिर्फ कॉम्बिनेशन करना है जैसे यहां पर मेरे पास में क्या बोल रहा है नीचे वाला क्वेश्चन देखो रहा मेरे पास में दस डोनट है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस डोनट है ठीक है मेरे पास छः वोफल है एक दो तीन चार पाँच छः वोफल है ठीक है मेरे पास आठ पेस्ट्रीज है एक पेस्ट्री दो पेस्ट्री तीन पेस्ट्री चार पेस्ट्री पाँच पेस्ट्री छः पेस्ट्री सात पेस्ट्री आठ पेस्ट्री है मेरे पास ठीक है फ्रॉम योर पैंट्री फॉर द पिकनिक कह रहा कितने तरीके से तुम दस डोनट छे वोफल और आठ पेस्ट्री में से पार्टी करने के लिए पैंट्री में से ले जा सकते हो या पिकनिक करने के लिए तुम इसमें से अपना सामान ले जा सकते हो तुमको सिर्फ चूज करना है तुम गए यहां वाले काउंटर पे तुमने बोला मेरे पास तरीके कितने हैं देखता हूँ मैं एक डोनट उठा लू कोई भी डोनट उठा लो सारे आइडेंटिकल है तो कह रहा है एक डोनट उठा लू एक तरीका मैं दो डोनट उठा लो दूसरा तरीका मैं तीन डोनट उठा लू तीसरा तरीका मैं चार डोनट उठा लो चौथा तरीका क्योंकि डोनट आइडेंटिकल है तो चूज कोई सा भी कर ले एक कर ले वो भी एक तरीका है दो उठा लेगा वो एक तरीका बनेगा पहला करे दूसरा कर ले तीसरा करे वो एक तरीका ही माना जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता तो मतलब एक डोनट उठाने का एक तरीका दो डोनट उठाना एक तरीका तीन डोनट उठाना एक तरीका तो ऐसे दस डोनट उठाने तक के दस तरीके बन जाएंगे तो दस तरीके से तू तो डोनट उठा सकता है एक और तरीका हो सकता है कह रहा है पार्टी करने के लिए जरूरत ना डोनट चाहिए तो एक तरीका वो जब तूने डोनट कोई भी उठाया ना हो ठीक है एंड फिर मैं अगली पे जगह पर जाऊंगा इसका हो गया काम कह रहा मैं अब दूसरी जगह पर गया मैंने कहा एक पेस्ट्री उठाते हैं या एक वो उठाते हैं नहीं यार दो वोफल उठाते हैं दूसरा तरीका नहीं यार तीन वो उठाते हैं ये तीसरा तरीका चार वो उठाते हैं चौथा तरीका पांच वो उठाते हैं पांचवा तरीका छह वो उठाते हैं छठा तरीका या फिर एक तरीका वो भी हो सकता है मैंने वो उठाया ही नहीं एंड फिर मैं अगले वाले पे गया सेम यहां पर आठ पेस्ट्रीज है तो आठ तरीके से मैं एक पेस्ट्री दो पेस्ट्री तीन पेस्ट्री करके उठा सकता हूं या फिर एक तरीका जब मैंने पेस्ट्री उठाई नहीं अब पिकनिक में जाना है मैंने कुछ भी नहीं उठाया ना मैं ये उठाया ना मैं ये उठाया ना मैं ये उठाया तो ये एक तरीका नहीं हो सकता जब मैंने ये भी नहीं उठाया मतलब ये वाला तरीका ये भी नहीं उठाया ये वाला तरीका और ये वाला तरीका जब मैंने ये भी नहीं उठाया कह रहे ये नहीं हो सकता फिर पिकनिक किस नाम की तो कह रहे माइनस कर दो वो तरीका जब तुमने कुछ नहीं उठाया तो ये आपका आंसर हो गया दैट इज़ ग्यारह इंटू सात इंटू नो माइनस वन तो कितना है आंसर करो कितना आ रहा ग्यारह इंटू सात इंटू नो माइनस वन सिक्स नाइनटी टू सिक्स नाइन्टी टू तरीके से तुम ये कर सकते हो सो so यही है क्या अगर चीजें एक टाइप की हैं तो तुम अरेंजमेंट कर सकते हो चूज कर सकते हो एन वन वन प्लस एन वन तरीके से एन वन चीजें अगर आइडेंटिकल है तुम एन वन वे से इनमें से चूज कर सकते हो एक दो तीन चार या एन वन आप चूज कर सकते हो प्लस एक तरीका कि तुमने कोई भी उठाया नहीं उसमें से सेम एन टू एक टाइप के तो एन टू तरीके से तुम एक दो तीन चार एन टू को तक करके तुम उसमें से चूज कर सकते हो और एक वो तरीका जब तुमने कोई चूज ना किया हो सेम एन थ्री आइडेंटिकल तो एन थ्री प्लस वन तरीका माइनस करेंगे ये one का मतलब है तुमने कुछ भी नहीं पिक किया नथिंग इज पिक्ट कह रहे ये नहीं कर सकते ठीक है ठीक है नथिंग इज स्पिक्ट कह रहे ये नहीं कर सकते बाकी सब चलेगा तो इतने वे से तुम अरेंजमेंट कर सकते हो ये वन क्या शो कर रहा है नॉट पिक्ड तो वो चीज तुमने पिक नहीं करी ये क्या शो कर रहा है तुमने पिक किया तुमने पिक किया बट एक किया दो किया तीन किया ऐसे करके अगर एन वन चीज है तो तुम एन वन तरीके से पिक कर सकते हो अपनी चीजें ठीक है समझ में आया तो एक तरीका और जब तो तुमने पिक नहीं किया तो एन वन प्लस वन क्या शो करता है इतने तरीके से तुम चीजें पिक कर सकते हो अगर सारी आइडेंटिकल्स हैं ठीक है फिर एन टू में ऐसा फिर एन थ्री में ऐसा सो ये बन जाता है ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर कह रहे द नंबर ऑफ वेज ऑफ अ पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ फंड ऑफ अ वन टेन रुपये नोट एक दस रुपये का नोट है एक दस रुपये का नोट है एक पाँच रुपये का नोट है एक एक दो रुपये का नोट है और एक एक रुपये का नोट है कितने तरीके से फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है तो गई सेम चीज़ मैं इस पर गया मैं कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ इसको या मैं नहीं कर सकता हूँ इसको मैं कर सकता हूँ इसको या मैं नहीं कर सकता हूँ इसको मैं कर सकता हूँ इसको या मैं नहीं कर सकता हूँ इसको तो दो वे से इसको कॉन्ट्रीब्यूशन ला सकते हैं दो वे से इसको कॉन्ट्रीब्यूशन में दो वे से इसको कॉन्ट्रीब्यूशन में दो वे से इसको कॉन्ट्रीब्यूशन में इस पर भी देखना है इसका भी देखना है कि इसको सिलेक्ट करें या ना करें इसको भी देखना है सिलेक्ट या ना करें और इसको भी देखना है सिलेक्ट करें या ना करें ठीक है तो इतने वेज हो गए माइनस एक वो वे होगा माइनस एक वो वे होगा जब तुमने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया बिकॉज यूर द नंबर ऑफ वेज ऑफ पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट लिखा है एक तरीका देखो तुमने नो 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 कह रहा कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कहा रहा क्या भाई ये वाला केस नहीं होना चाहिए माइनस वो तरीका जब तुमने कुछ कॉन्ट्रीब्यू नहीं किया तो आंसर कितना होगा सोलह माइनस एक पंद्रह तो पंद्रह वे से तुम कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो पंद्रह वे से तुम कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो समझ में आया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ वेज इन विच नाइन थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री ग्रुप्स कंटेनिंग टू थ्री एंड फोर थिंग्स रिस्पेक्टिवली नाइन थिंग्स है कह रहे कितने तरीके से मैं इसमें से दो का ग्रुप तीन का ग्रुप और चार का ग्रुप बना सकता हूं ठीक है यस ये बोल रहा है इनटू थ्री ग्रुप्स अब देखो ये ग्रुप्स अगर आइडेंटिकल होते तो मैं इसको इसके फैक्टोरियल से डिवाइड कराता बट क्योंकि ग्रुप्स आइडेंटिकल नहीं है ग्रुप्स आइडेंटिकल नहीं है ये दो का ग्रुप है ये तीन का ग्रुप है चार का ग्रुप है तो भैया मुझे ग्रुप बनाने हैं ये नहीं बोल रहा अरेंज करने सिर्फ ग्रुप बनाने हैं मतलब सिलेक्ट करने हैं नौ में से किसी दो को सिलेक्ट कर लिया अब दो लोग चले गए इन नौ में से दो लोग चले गए कितने बचे सात अब इन सात में से अपन ने तीन को सिलेक्ट कर लिया ठीक है अब सात में से और तीन चले गए कितने बचे चार अब चार में से चार को सिलेक्ट कर लिया तो नाइन सी टू इस ये भी सिलेक्शन करना है दो का भी ग्रुप बनाना है एंड तीन का भी ग्रुप बनाना है एंड चार का भी ग्रुप बनाना है इसलिए मल्टीप्लाय नाइन सी टू मतलब नौ और उससे एक कम नंबर आठ नीचे में टू फैक्टोरियल टू इंटू वन सेवन सी थ्री में सात से क्या करेंगे नीचे में तीन लिखा ना तो सात से एक एक कम करके तीन नंबर लेंगे नीचे में फैक्टोरियल फोर सी फोर इज इक्वल टू वन एनसीज इक्वल टू वन होता है ना यस yes, करो सॉल्व ये इस पे गया तीन पर ये yes इस पे कट गया ये हाँ पे गया, चार पर. तो नाइन इंट चार इंटू सात इंटू पाँच ठीक है तो आंसर आ भैया वन टू सिक्स जीरो विच इज बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, है। नहीं ध्यान रखना। कुछ बच्चे ना बस यहाँ पर अरेंजमेंट करने लग जाएंगे। जैसे ही वर्ड दिखा तुमको लगेगा letter को अरेंज करना अबे सिलेक्शन करना है अरेंजमेंट को भूल जाओ सिर्फ सिलेक्शन करना है अच्छा ध्यान रखना मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ जब तुमको दिखेगा ना कि डबल डबल लेटर्स आ रहे हैं और उसमें से सारे लेटर यूज नहीं कर रहा तो हमेशा सिलेक्शन को का क्वेश्चन ही दिखेगा तुमको वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि यहाँ पे भी अरेंजमेंट दे दिया ठीक है इतना डिफिकल्टी पे नहीं देगा दे सकता है बट देगा नहीं मुझे ऐसा लगता है ठीक है चार लोगों चार चीज़ों को अरेंजमेंट करना है ठीक है तो अपने को ना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ऑल पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेगी सोचो पहले अपने को देखना पड़ेगा कुछ आइडेंटिकल है क्या क्योंकि आइडेंटिकल हुआ तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड होता है ठीक है अगर कुछ आइडेंटिकल हुआ तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड होता है कह रहे हैं दो एस दिख रहा है दो ओ दिख रहा है सिंगल सिंगल क्या है एक दो तीन चार पाँच ठीक है ये अकेले हैं तो इनमें डबल डबल आ रहा है इंडिविजुअली नहीं आ रहा है ठीक है तो अब सोचो मैंने अलग अलग पॉसिबिलिटी सुनाई कि भाई मैंने कैसे किया होगा ये एक टाइप की चीज है और ये इंडिविजुअली बढ़ा हुआ तो हमने बोला कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट उठा लिए डिस्टिंक्ट yeah. मतलब कि कोई भी अगर डबल आ रहा है तो उसको भूल जाओ ये डबल आ रहा है ये डबल आ रहा है तो इसका एक एस भूल जाओ इसका एक ओ भूल जाओ ठीक है तो इसका एस और एक इसका ओ भूल जाओ कितने बचे एक दो तीन चार पांच छह सात इन सात में से किन्नी चार को चूज कर लेते एक तरीका ये यह थाना भाई इसको और इसको भूल जाओ उससे क्या हो जाएगा सारे डिस्टिंक्ट हो जाएंगे ना तो मैंने एक तरीका ये कर लिया इसका आंसर सिंपल हो जाएगा सेवन सी फोर ठीक है एंड एक मैंने दो बाकी डिस्टिंक्ट उठाए है ना चार चाहिए ना मुझे एक पेयर उठा लिया बाकी दो डिस्टिंग उठा लिया सो दो पेयर में से एक पेयर उठाया टू सी वन मान लो ये मैंने ये वाला पेयर उठा लिया तो इसका एक भूल जाओ और बाकी दो डिस्ट्रिक्ट उठाने क्योंकि ये तो पूरा पेयर उठा लिया मैंने ये गायब हो गया है ना ये मेरा पूरा गायब हो गया ये मेरा पूरा गायब हो गया अब बाकी डिस्टिंग क्या बचे एक दो तीन चार इसका एक भूल जाओ पांच छह जो बाकी बचे उनमें से डिस्टिंग तो छह बचे ठीक है जो बाकी बचे डिस्टिंग उतने उसमें कितने बचे बचे तो में से मेरे को दो डिस्टिंग चूज करने हैं या फिर या फिर और ये हो सकता है या और तीसरा किस हो सकता है कि दो के दो पेयर चूज कर लिए है भाई ये दो भी पेयर ये दो भी पेयर है दो चीजें दो पेयर है दो के दो चूज करने के तरीके सो आंसर क्या हो ये और 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 मतलब प्लस ये, और प्लस में ये ये में ठीक है सो so आंसर क्या होगा से एक एक कम करके टोटल चार नंबर नीचे में फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस में टू सी वन इज टू सिक्स एक नंबर लिए बाय टू इंटू वन प्लस में टू सी टू सी एन वन होता है तो वह यहाँ पे वन ऐड कर दिया क्या आंसर आ रहा है चेक करो ये चार से चार गया ये तीन इंटू दो छ से छ गया ये दो से दो गया तो साठ इंटू पाँच पैंतीस प्लस में तीस आंसर कितना होगा गया पैंसठ पैंसठ तरीके से आप दो चार पैंसठ तरीके से आप प, चार लेटर वर्ड चार लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ क्लासरूम लेटर्स आउट ऑफ क्लासरूम लेटर्स।, लेटर्स चार लेटर तुम इस तरीके से चूज कर सकते हो ये अच्छा क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मैं बोलता हूँ ऑल्टरनेट अटैम्प्ट में मैंने देखा है ऑल्टरनेट अटैम्प्ट में मैंने देखा है ठीक है कह रहे इसकी वैल्यू बताओ देखो एन सी जीरो से शुरू किया है एनसी जीरो से शुरू किया एनसी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अभी बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है टू की पार एन सर टू की पार एन माइनस वन नहीं था बेटा वहां पर एनसी जीरो नहीं था एनसी वन से शुरू था ध्यान रखना इस चीज़ को ठीक है सो आंसर विल बी बी नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन ये इस बार के एम टी पी में भी सेम क्वेश्चन था ठीक है एम टी पी में भी ये कुछ सेम क्वेश्चन देखने को मिला है सिमिलर टाइप का था वो थोड़ा सा आसान था इसकी ना पहली लाइन थोड़ी मुश्किल है बाकी तो आसान है कह रहा था सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ सिक्स टू थ्री डिसीजन अप होल्डिंग अ लोअर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट निकला है जहां पे छः लोग फेवर में हुए हैं और तीन लोग अनफेवर में हुए हैं इस क्राइन का मतलब पता है कितना है यहां पे ये यह रहा चाह रहा है कि भैया लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था ना उसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने के छह जजेज ने फेवर में छह जजेज ने आंसर दिया और उसके अनफेवर में तीन जजीज़ ने आंसर दिया अच्छा ये उसने एक रिजल्ट बताया कि एक रिजल्ट ऐसा आया था तो टोटल जजेस कितने हो गए टोटल जज कितने हो गए इसका काम पता है कि सिर्फ ये बताना है टोटल जज कितने हैं टोटल जज कितने हो गए 6 प्लस तीन नौ जज हो गए टोटल जज कितने हो गए नौ जज हो गए है ना नौ सुप्रीम कोर्ट में टोटल इसका मतलब नौ जज हो गए द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव अ मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट मेजोरिटी डिसीजन कितने तरीके से हो सकता है सिंपल सी बात है ना भाई नो में से मेजोरिटी कब हो सकती है जब नो का आधे से ज्यादा हो नो का आधे साढ़े चार उससे क्या होगा पांच तो नो से नो में से पांच लोग एक अलग डिसीजन दे गए जो कि रिवर्स करता है लोअर कोर्ट को मेजोरिटी डिसीजन कब होगा कि जितने हैं उसके आधे वो रिवर्स में दे दें तो नो में से पांच रिवर्स दे देंगे तो फेवर में होगा या फिर नौ में से छह रिवर्स में दे देंगे या नौ में से सात रिवर्स में दे देंगे रिवर्स हो सकता है यहां पर मेजोरिटी हो रही है नौ में से पांच मेजोरिटी है ना ये मेजोरिटी ये मेजोरिटी ये मेजोरिटी ये बोल रहा है कि जितने भी पॉसिबल मेजोरिटी वाले पॉसिबिलिटीज है ना वो बता दो तो क्या है ये है तो ये हो सकता है कि यहां से ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा भाई पांच ने रिवर्स में बोल दिया है तो भैया ऑर्डर रिवर्स मारना पड़ेगा मेजोरिटी ने रिवर्स दे दिया या फिर या फिर मतलब प्लस छः ने आउट ऑफ डाइन मेजोरिटी दे दिया है या फिर सात ने दे दिया या आठ भी मेजोरिटी है नौ भी मेजोरिटी है तो ये आपका आंसर हो गया अब इसको सोल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताओ सोल्व एंड टेल आंसर इन कमेंट ठीक है

मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में करते रहो प्रैक्टिस चलते हैं टेक केयर बाय बाय अलविदा बचा पाड़ी